यस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या आप लोग को अच्छे से सब कुछ दिख रहा है? और अगर हाँ, तो हम रेडी हैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? पॉइंट एक। पॉइंट दो, क्या आप लोगों को सारा स्क्रीन एंड एवरीथिंग सब अच्छे से दिख रहा है या नहीं? जल्दी से मुझे जवाब दो। जितने जल्दी जवाब दोगे, उतने जल्दी हम चालू कर लेंगे। एंड एज आई सेड, कमेंट कर दो तो समझ में आ जाएगा मुझे कि हाँ, सारी चीजें परफेक्ट है। चलिए। यस, सिम्स की सभी को सब कुछ मिल चुका है, आवाज सभी को आ रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज विजय सारडा फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी पुणे। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं किसके लिए सर? इंटरनेशनल टैक्स रिवीजन के लिए। जब मैंने डीटी का मैराथन डाला इंटर वालों के लिए, तो सभी बच्चों का रिक्वेस्ट था हमारे वी स्मार्ट चैनल के ऊपर कि हम फाइनल के लिए भी ऐसा कुछ करें। 2 दिन पहले मैं आप लोगों के सामने आया था इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव, और एज वेल एज यूट्यूब के ऊपर लाइव, आप लोगों की ओपिनियन ली थी कि क्या हमें मैराथन लेना चाहिए या टॉपिक वाइज फटाफट रिवीजन लेना चाहिए, क्योंकि वी ऑल अंडरस्टैंड, कम ऑन, सीए फाइनल मैराथन से काम नहीं हो सकता। पिछले साल हम लोगों ने वी स्मार्ट ने मैराथन रिकॉर्ड करके डाला था, 2 दिन 16 घंटे के अंदर में करीब हम 20 टॉपिक्स ही कर पाए थे। एंड डीटी अगर हम बात करें तो एक अलग समंदर है, 43 टॉपिक्स का एक समंदर है, और इस समंदर को हैंडल करना मैराथन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्रोविजन, इतने सारे एक्सेप्शंस हैं। तो जाहिर सी बात है, वी स्मार्ट के इस कोविड-19 इनिशिएशन के अंदर में हर टीचर, चाहे वो एफआर का हो, डीटी में हो, लॉ के अंदर हो, जीएसटी के अंदर हो, हम सभी टीचर्स मेहनत कर रहे हैं वी स्मार्ट के कि बच्चों तक के पहुंचाया जाए। इस सिचुएशन के अंदर में अगर कोई एजुकेशन, यू नो, किसी भी तरीके से बच्चे का अगर रुक गया है, तो उस तक के पहुंचाया जाए। सो आई एम हियर विद द डीटी इंटरनेशनल टैक्स रिविजन। ठीक है, इस रिविजन को करते वक्त मैं कुछ बातें आपसे कह रहा हूं, इस बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना आप लोगों को। ठीक है, पहला, आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, किसी भी ऑर्थर की बुक यूज कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। आपके पास मेरी बुक है तो मैं रेगुलर बुक से यूज कर रहा हूं, फास्ट ट्रैक बुक है, फास्ट ट्रैक बुक ले लो, मेरी रेगुलर बुक है, रेगुलर बुक ले लो, आप मॉड्यूल है, मॉड्यूल से कर लो, आपके पास जो बुक है सर, उससे आपका काम हो जाएगा। राइट, दूसरी बात, जब आप इसे पढ़ रहे हैं, इसे ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस वाले भी पढ़ सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है इसको सिर्फ ओल्ड सिलेबस वाले पढ़े, इसे न्यू सिलेबस वाले भी पढ़ सकते हैं, और जो जो टॉपिक ओल्ड सिलेबस वालों के हैं, वो टॉपिक इसमें अवॉइड कर देंगे। राइट, वो इस टॉपिक को अवॉइड कर देंगे। जब मैं इंटरनेशनल टैक्स ले रहा हूं, ये पेपर 6C का रिविजन भी है और पेपर 7 का भी रिविजन है, मतलब हम सबसे पहले वो टॉपिक लेंगे जो दोनों दोनों जगह कॉमन है। हालांकि मैं आपको इसका अप्रोच बता दूंगा कि अप्रोच किस तरीके से होगा, हम इसके अप्रोच पे बात कर लेंगे। हम लोग डेली इसके अपडेट्स आपको दे देंगे। ये वीडियो 2 बार फीचर होगा, एक अभी यहां पे फीचर हो रहा है, दूसरा, जो बच्चे रात में नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे को कुछ बच्चों का मैसेज आया रात में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, हम दूसरे दिन सुबेरे इसको वी स्मार्ट के चैनल पे, हमारे मेन चैनल पे, होम चैनल पे, हम इसको अपलोड कर देंगे ताकि वहां पे भी बच्चा देख पाए। सो कोई भी बुक चलेगी, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस बिल्कुल देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, 2 बार फीचर होगा, एक अभी चल रहा है, दूसरा दूसरे दिन वी स्मार्ट के चैनल के ऊपर ही अवेलेबल होगा। चौथी बात, एग्जाम से पहले इसे देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, एग्जाम से पहले देख लेना, फटाफट फटाफट रिविजन हो जाएगा। राइट, आपने मेरे से पढ़ा हो नहीं पढ़ा, इसकी कोई मतलब रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सेक्शन हम बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। और एक बात मुझसे बिल्कुल मत पूछना कि सर ये कितने देर चलने वाला है, मैं बिल्कुल कटौती नहीं करने वाला, रिविजन है आराम से लूंगा, जितना पढ़ेंगे उतना बहुत बेहतर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बिलीव करता हूं, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, और इसी मंत्र को आपको भी पढ़ के चलना है। बिल्कुल, आपने अगर अभी तक के नहीं भी पढ़ा होगा तो ये रिवीजन आपको बहुत बहुत मजेदार लगेगा और हेल्प कर देगा। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको टेक्निकली बहुत प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनल टैक्स के अंदर, मेरा भरोसा रखिए, जितने रिवीजन करा रहा हूं, जैसे करा रहा हूं, उस लिंक में कर लो, आपका मैसेज मुझे आ जाएगा, देखना आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं आगे। इंटरनेशनल टैक्स के इस रिवीजन को करते वक्त मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, एटलीस्ट आप जिस भी बुक में लिख रहे हैं या जो भी बुक मेंटेन कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स, एक जैसे इंटरनेशनल टैक्स डिक्शनरी, आप एक इंटरनेशनल टैक्स डिक्शनरी बना दीजिए 2 पेज की, वहां पे आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए सारी चीजें, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है और अदर चीजें। जो बच्चे अगर इस रिवीजन के दौरान अगर गलती से भी कोई कमेंट कर रहे होंगे, रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज कमेंट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं हम कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल आपके कमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसको अगर कोई डाउट आता भी है तो मैं सेपरेट डाउट सेशन लूंगा, जैसे मैंने असेसमेंट्स के अंदर भी लिया था, आपका असेसमेंट्स का रिविजन करवाते वक्त बिल्कुल उसी तरीके से होगा। और अगर आपको कोई दिखता है कि वो फालतू में आपको, यू नो, परेशान कर रहा है कमेंट करके, तो आप सब समझदार हैं उसके साथ क्या करना है इसके लिए। सो लेट अस स्टार्ट, हम लोग चालू करते हैं।
ये एक बहुत बेहतरीन सेशन, राइट। चलिए, सो चैट प्लीज बंद कर दीजिए, जो भी कर रहा है, या कोई फोकट में स्पैम करने की कोशिश कर रहा है, आप खुद समझदार हैं। लेट अस स्टार्ट। मैं सबसे पहले कौन सा टॉपिक ले रहा हूँ? रेसिडेंशियल स्टेटस। सर, मैं रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों ले रहा हूँ? इसके पीछे एक लॉजिक है। रेसिडेंशियल स्टेटस जब तक के आप नहीं लेते, तब तक के आपको इनकम ही डिटरमाइन करते नहीं जमेगी। सो द फर्स्ट टॉपिक लॉजिकली दैट शुड स्टार्ट इज ऑलवेज द रेसिडेंशियल स्टेटस विच यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ आईपीसीसी और सीए इंटर। यू हैव अ बैकग्राउंड सीएमए इंटर, आपको कहीं का तो बैकग्राउंड इसके पास अवेलेबल होगा। बोलते बोलते एक और बात याद दिला दूं, ये सीए सीएस सीएमए तीनों फाइनल लेवल के बच्चों के लिए ही है। तो आईपीसीसी वाले कृपया इसे ना देखें, आईपीसीसी वालों के लिए मैराथन डाल दिया, कृपया वहां चल जाएं। लेट अस स्टार्ट। अगर हम बात करें इस बारे में, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में, व्हाई फर्स्ट रेसिडेंशियल स्टेटस ओनली? रेसिडेंशियल स्टेटस इसके लिए क्योंकि टोटल इनकम इसी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी। यस, चाहे आप ग्रॉस टोटल इनकम के प्रॉब्लम बना रहे हो, इसी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी। ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम इसी के ऊपर आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। सो लेट अस स्टार्ट। रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते वक्त आपको कौन कौन से सेक्शन सबसे पहले पढ़ने चाहिए? रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते वक्त मैं आपको बता देता हूं कहां से कहां तक की सेक्शन लिस्ट है। सबसे पहले सेक्शन लिस्ट यहां पर आती है 5, 6, 7, 8, 9, 115JH। ये वो सेक्शन लिस्ट है जो आपने सबसे पहले पढ़नी चाहिए। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन से भी पहले आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना चाहिए। रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते वक्त आपको ये चीजें बहुत अच्छे से काम आएगी, ठीक है। सो सेक्शन लिस्ट में आपको एक और बार फिर से ध्यान दिला दूं, आप इस सेक्शन लिस्ट को याद रख लीजिए। आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उस बुक के अंदर में लिख के रख दीजिए कि सेक्शन लिस्ट कौन कौन सी है, 5, 6, 7, 8, 9, 115JH। ये पूरी सीक्वेंस ऐसी चलेगी, लेकिन इसको पढ़ने का सीक्वेंस ये नहीं है। हाँ, एक बात समझिए, इसको पढ़ने का सीक्वेंस ये नहीं है। पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप पढ़ रहे होंगे, अगर आपको इसका बहुत जबरदस्त मीनिंग लेना है ना मेरे भाई, सबसे पहले पढ़िए 6, 6 के बाद पढ़िए 5, 5 से जाइए आप 7, 8, 9, और इसके बाद आपको जाना है 115JH। इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर इतने जबरदस्त तरीके से बैठेगा कि आपको कभी भी इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो पढ़ना कौन कौन से सेक्शन है फटाफट बता दो मेरे भाई। पढ़ना हम लोग को है 5, 6, 7, 8, 9, दैट इज 5, 6, 7, 8, 9 एंड 115JH। दीज आर दी सीक्वेंस इन विच वी नीड टू स्टडी, बट हाउ टू स्टडी इज 6, then 5, then 7, 8, 9 एंड देन 115JH इन ऑर्डर टू गिव यू द होल completely whole of the topic, right? Okay, so let us start. First of all, let me tell you something about your articleship. Articleship, ये जो टॉपिक है ना, आप लोगों ने सीए इंटर के अंदर में पढ़ा था, सीए इंटर के अंदर में करीब 3 साल पहले पढ़ा था। पूरी आर्टिकलशिप में आप इस टॉपिक की सच्चाई जान चुके हैं कि इसको हम बिल्कुल नहीं समझते, बिल्कुल। आपको क्या करना होता है, जब हम लोग आईटीआर भरते हैं, सिंस आई एम इनटू प्रैक्टिस, जब हम लोग आईटीआर भरते हैं सीधा जाते हैं, आरओआर सिलेक्ट कर लेते हैं, काम खत्म। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आर्टिकलशिप के अंदर में इसका एक्चुअल मीनिंग देखा होगा, अदरवाइज मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट, मैक्सिमम ऑफ देम, उन्होंने क्या किया होगा कि हाँ आरओआर करके सिलेक्ट करके खत्म कर दिया होगा या रेसिडेंट सिलेक्ट करके खत्म कर दिया होगा। अब यहां आती है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, क्योंकि 3 साल पहले हम लोगों ने जो प्रोविजन पढ़ी और आज जो प्रोविजन पढ़ी, इसके अंदर में बहुत सारा चेंज है। और रेसिडेंशियल स्टेटस आधे से ज्यादा बच्चे ये सोच करके छोड़ देते हैं कि यार ये तो टॉपिक चिल्लर सा है। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, यहां पे बहुत ज्यादा काम आएगा। क्या? पहला रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, दूसरा जो आपके काम आएगा वो है सेक्शन नंबर 9, जिसके ऊपर मैक्सिमम नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन डिपेंडेंट है। आप जितने भी सेक्शन आगे पढ़ेंगे, जैसे 44DA पढ़ेंगे, अगर आप आगे जाके 115A पढ़ेंगे, ये सेक्शन 9 से लिंक्ड है। और इसका लिंकिंग इतना मजेदार है कि आपको लगेगा कि यार ये इतना सिंपल था, लेकिन मैं कभी नहीं समझ पाया इस लिंकिंग को। इस पूरी लिंकिंग को जोड़ने के लिए आपको इस टॉपिक के साथ मेरे साथ चिपके रहना बहुत जरूरी है। लेट अस स्टार्ट। क्या रेसिडेंशियल स्टेटस सिटीजनशिप एक चीज है? आंसर इज नो। रेसिडेंशियल स्टेटस हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप। रेसिडेंशियल स्टेटस हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप। इज रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइंड फॉर एवरी ईयर? आंसर इज यस। रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर एवरी ईयर। कैन रेसिडेंशियल स्टेटस बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर? आंसर इज यस। रेसिडेंशियल स्टेटस कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इन डिफरेंट ईयर, यस और नो? कैन अ पर्सन बी रेसिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री एट द सेम टाइम? आंसर इज यस। ही कैन बी रेसिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री एट द सेम टाइम। यहां एक मिनट के लिए रुकिए। Now, how he can be resident of more than one country at the same time? Logical है। पहले समझते हैं आखिर हम पढ़ते ही क्यों इंटरनेशनल टैक्स, why इंटरनेशनल टैक्स इज देयर।
करीब 130 मार्क्स, 130 मार्क्स आर टोटली डेडिकेटेड टू व्हाट? इंटरनेशनल टैक्सेशन. 100 मार्क्स डेडिकेटेडली पेपर 6E एंड 30 मार्क्स डेडिकेटेडली पेपर 7. दैट मींस इंस्टीट्यूट वांट अस टू हैव 130% क्लैरिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. नाउ व्हाई वी लर्न इंटरनेशनल टैक्सेशन? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, मनमोहन सिंह साहब. मनमोहन सिंह साहब 1991 लेकर के आते हैं एलपीजी. आइए मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं, और इस हिस्ट्री के साथ आपका बहुत सारा लिंकेज है, इसलिए क्योंकि रॉयल्टी के टाइम पे ये पॉइंट आएगा, मैं आपको बता रहा हूं. तो इस हिस्ट्री को ध्यान से सुनना. लेट अस डिवाइड इंडिया इनटू थ्री पीरियड्स, राइट? बिफोर इंदिरा गांधी जी, आफ्टर इंदिरा गांधी जी, बट बिफोर मनमोहन सिंह जी एंड आफ्टर मनमोहन सिंह जी. जस्ट अंडरस्टैंड दिस इन दैट वे ओनली. बिफोर इंदिरा गांधी जी, क्या इंडिया के अंदर में फॉरेन टैक्सेशन था? आंसर इज यस, बिल्कुल था. फॉरेन के टैक्सेबिलिटी प्रोवाइडेड थी, लेकिन देन इमरजेंसी लागू की जाती है, और इसके बाद कुछ फॉरेन कंपनीज को यहां से हटा दिया जाता है, इनकी एंट्री बैन हो जाती है, जिसके कारण होता यह है कि फॉरेन भारत का बहुत सारा डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं रुक जाता है, थम जाता है, स्लो हो जाता है, जिस भी वर्ड को आप बेहतर समझना चाहे वो वर्ड. इसके बाद 1991 में जब फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, तब मनमोहन सिंह जी सोचते हैं कि पहली बार इंडिया में वापस से रिलॉन्च किया जाए इंटरनेशनल कंपनीज को, और इन्हें परमिशन दी जाए कि इंडिया में आकर के ऑपरेट करें. जब इंडिया में आकर के इनके ऑपरेशंस चालू कर रहे थे, जब हमने इकोनॉमिक्स के अंदर सीपीटी के अंदर पढ़ा था एलपीजी, एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी, सुपर पॉलिसी, सुपर. मतलब आज अगर आप किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड को इंडिया में यू नो यूज कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा थैंक यू जाता है मनमोहन सिंह जी को. ही वॉज अ सुपर फाइनेंस मिनिस्टर. अब आगे सुनिए, इसके बाद क्या होता है. 1991 में जब एलपीजी लेकर के आया, तो एलपीजी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत थी इंटरनेशनल टैक्सेशन के रूल्स की. तब तक इंडिया ओईसीडी के मेंबरशिप में आ चुका था. ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉमर्स एंड डेवलपमेंट. ओईसीडी जब इंडिया ऑलरेडी ओईसीडी का पार्ट बन चुका था, तब आता है मजा. ओईसीडी की गाइडलाइंस के हिसाब से हर कंट्री ने कुछ इंटरनेशनल टैक्स पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था, और इंडिया ने भी इन पॉलिसीज को लेकर के इंडियन इकोनॉमिक एनवायरमेंट के हिसाब से इसे चेंज किया. जब इंडियन इकोनॉमिक एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज किया, तो हमारे यहां इंटरनेशनल टैक्स के लॉज आए, और रेसिडेंशियल स्टेटस के कंसेप्ट में भी चेंज आया. ये रेसिडेंशियल स्टेटस के कंसेप्ट में और चेंज आया जब फेमा के प्रोविजंस चेंज किए गए. हाँ जी, फेमा के प्रोविजंस चेंज के हिसाब से यहां के भी कई सारे प्रोविजंस बदले, और इन सब को लेकर के आज आप यहां पे कंसिडर कर रहे हैं पूरा का पूरा टॉपिक इंटरनेशनल टैक्सेशन. सो इंटरनेशनल टैक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह जी. यस, व्हाई? बिकॉज ऑफ द एलपीजी पॉलिसी इन 1991. ये है इसके पीछे का लॉजिक. अब आते हैं आगे. एक बार हम लॉजिक की बात कर लें, तो वापस से कुछ बातें कर लें. क्या रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए होता है? हाँ. क्या हर साल इसे बदला जा सकता है? आंसर इज यस. क्या एक व्यक्ति मल्टीपल जगह रेसिडेंट हो सकता है? यस. कैसे? इंडिया में अगर कुछ दिन, रेसिडेंशियल स्टेटस कौन से बेसिस पे आता है? इफ यू स्टे इन इंडिया फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज, तो रेसिडेंशियल स्टेटस यहां पर डिटरमाइन हो जाता है, एंड हेंस उसके बेसिस पे हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस रख सकते हैं. और इसीलिए इंडिया में सिटीजनशिप ना यूज करके रेसिडेंशियल स्टेटस वर्ड को यूज किया गया था. अच्छा जी सर, रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें, रेसिडेंशियल स्टेटस की हम बात करें, तो क्या असेसी खुद होकर के इसे डिक्लेयर करता है क्या? इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ओनस ऑफ प्रूफ. ओनस ऑफ प्रूफ एक चीज है कि जो डिटरमाइन करता है. इंडिविजुअल और कंपनी के केस में अगर देखा जाए, तो बर्डन डिपार्टमेंट के ऊपर होता है. ये बात याद रखिएगा, आगे याद दिलाऊंगा. इंडिविजुअल और कंपनी के केस में जो बर्डन होता है, ये डिपार्टमेंट के ऊपर होता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूफ करना. और अदर के केस में बाय डिफॉल्ट में हम उसको रेसिडेंट मानते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? आपको सेक्शन 6(2) एंड 6(3) में पता चल जाएगा. आइए समझते हैं. सो लेट अस चेक इन वर्ड्स को. ये जो मैं नोट्स यूज कर रहा हूं, ये मेरे रेगुलर नोट्स हैं, ये मेरे फास्ट ट्रैक के अंदर में भी सेम ही है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, या आप कोई भी बुक यूज कर रहे हैं आप वो देख सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा. द टोटल इनकम ऑफ असेसी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो द रेसिडेंशियल स्टेटस. रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली. स्टॉप. ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली की बात करा है उनने. ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली. अब आप ये पूछेंगे कि सर
पर्सन का डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल पर्सन का डेफिनेशन वही है घिसापिटा जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर में था। सर क्या हमें वापस से 231 का डेफिनेशन पढ़ना चाहिए जब हम इंटरनेशनल टैक्स पढ़ रहे हो, चाहे पेपर 6 ही पढ़ रहे हो या पेपर 7 पढ़ रहे हो? आंसर इज यस। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन जब तुम मॉड्यूल में खोल करके देखोगे तो वहां आपको यह डेफिनेशन दी हुई है 231 पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन मतलब क्या? बिल्कुल सही, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP। एक आदमी इंडिविजुअल, मेरे हैंड गेस्चर पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आपको डेफिनेशन बहुत इजीली याद हो सकती है। एक आदमी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल HUF, दो लोग मिलके घर बनाते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, इंडिविजुअल HUF। फर्म, दो लोग पार्टनर होते हैं, मिनिमम पार्टनर्स इन अ फर्म, राइट? सो इंडिविजुअल HUF, फर्म, कंपनी, कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, सो कंपनी, इंडिविजुअल HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी एंड AJP, सारे के सारे इसके अंदर में कवर्ड। सो वापस से देखिएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली। रेसिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ओनली। इट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी ईयर बिकॉज इट मे चेंज ईयर टू ईयर। सो ये ईयर टू ईयर चेंज हो सकती है। अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री एट द सेम टाइम, ये बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये बड़ा होके क्या बनेगा? एमसीक्यू बनेगा, ठीक है सर। ओनर्स ऑफ प्रूफ, ये है आपके काम की चीज जो सीए फाइनल में बड़े काम की है। इंडिविजुअल और कंपनी डिपार्टमेंट के ऊपर लाइज करता है, बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा। डिपार्टमेंट के ऊपर लाइ करता है और अदर्स के केस में अज्यूम कर लिया जाता है ये रेसिडेंट है। क्यों अज्यूम करते हैं ये रेसिडेंट है? ऐसा होता है सेक्शन 6(2) एंड 6(3) के हिसाब से, 6(2) एंड 6(3), सॉरी 6(4) के हिसाब से, नॉट 6(3), 6(2) एंड 6(4) के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस, सबसे पहले जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ये कैसे पढ़ना है, हम जाएंगे सेक्शन 6, 6 से 5, 5 से 7, 8, 9, इस तरीके से जाएंगे, सबसे मजा आएगा। अब याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका, ध्यान देना। पहला 6(1), एक आदमी इंडिविजुअल होता है, एक आदमी इंडिविजुअल होता है, दो लोग मिलके घर बनाते हैं, HUF, दो लोग मिलके घर बनाते हैं। कंपनी तीन प्रकार की होती है, पब्लिक, प्राइवेट, OPC। सो 6(3) कंपनी, और बाकी सबको उठा के चारों दिशाओं में फेंक दो, चार दिशा, चारों दिशाओं के अंदर में फेंक दो। तो 6(1), 6(2), 6(3), 6(4), बहुत इजी तरीका है, कोई बहुत टेक्निकल पॉइंट नहीं है, याद कर सकते हो। एक आदमी इंडिविजुअल होता है, 6(2), दो लोग मिलकर घर बनाते हैं, कंपनी तीन प्रकार की होती है, और बाकी सबको चार दिशाओं में उठा करके फेंक दो, गेम ओवर। अब आते हैं हम सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, किसके ऊपर आते हैं मालिक? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर आइए, राइट? आओ भाई लॉजिक लगाते हैं, मैजिक करते हैं थोड़ा बहुत। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, दो सेक्शन यहां पे काम के हैं, 6(1) एंड 6(6), 6(1) एंड 6(6). ये दो सेक्शन को जब आप मिला के पढ़ेंगे तो जाके आप रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल देख पाएंगे, राइट? लेट स्टार्ट। अ पर्सन कैन ईदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, एक पर्सन रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। इफ ही वॉन्ट टू बी रेसिडेंट, ही हैज टू सेटिस्फाई एटलीस्ट वन कंडीशन, आई रिपीट, एटलीस्ट वन कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1), एंड ही वॉन्ट टू बी ROR, देन सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन ऑफ 6(6). तो अगर उसे रेसिडेंट बनना है, एटलीस्ट एक कंडीशन 6(1) की सेटिस्फाई करनी होगी। सो लेट अस टूर, लेट्स हैव अ टूर फॉर 6(1). 6(1) क्या कहता है? अ पर्सन इज सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज, यहां पे एंड है, एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, राइट? वापस से एक बार, इफ अ पर्सन इज स्टेज इन इंडिया, स्टेज इन इंडिया, स्टेज इन इंडिया, चलो थोड़ा डीप में चलते हैं, स्टेज इन इंडिया का मतलब क्या है? क्या एक ही जगह रहना इंपॉर्टेंट है? आंसर इज नो, स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो ही कैन बी इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, एनीवेयर, राइट? स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया मतलब सर मान लीजिए 3 महीने के लिए इंडिया में है, फिर 2 महीने के लिए थाईलैंड गया, फिर अगेन 3 महीने के लिए इंडिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया गया, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। कंटिन्यू स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो इफ ही स्टेज इन इंडिया, स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, एटलीस्ट 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, अगर वो प्रीवियस ईयर के अंदर में एटलीस्ट 182 डेज रह जाता है, ही विल बी रेसिडेंट इन इंडिया। अच्छा जी सर, सर मुझे एक बात बताइए, ये जो 182 डेज काउंट किया है, एक डे मतलब कितना? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई यू नो फ्लाइट लेकर के आ रहा है, 8 घंटे ये फ्लाइट लेकर के वापस निकल जा रहा है, तो वन डे कितने आवर्स का होगा? वन डे हैज टू बी ऑफ 24
4 आवर्स, 24 आवर्स का आपको एक दिन गिनना है। मोर ओवर चीज, द डे ही कम्स इन इंडिया एंड द डे ही लीव्स इंडिया बोथ आर काउंटेड। द डे ही कम्स इन इंडिया एंड द डे ही लीव्स इंडिया बोथ आर काउंटेड। तो जिस दिन वो आया और जिस दिन वो गया, ये दोनों को काउंट किया जाता है इन जनरल। हालांकि अगर कैलकुलेशन आपको आवर्स के बेसिस पे दिया है तो ये बात याद रखना कि आवर्स के बेसिस पे ही डिसाइड होगा फिर। सो इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती दूसरी कंडीशन, और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर 182 डेज नहीं भी है तो एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, दिस शुड बी कंटिन्यूस 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एटलीस्ट उसने क्या रहना चाहिए 365 डेज एंड इन प्रीवियस ईयर 60 डेज होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई वो सिंपली क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। सो वापस से, अ पर्सन कैन आइदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो दो या दोनों में से एक, दोनों में से एक, क्योंकि दोनों के बीच में और लिखा है। ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट, राइट। इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना, इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दे देना, राइट। लेट अस फोकस, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है, ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज। इस पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिएगा, स्टेज इन इंडिया। नोट पे आइए, नोट के ऊपर क्या लिखा है, द डे ही लीव्स इंडिया एंड द डे ही कम्स इंडिया बोथ आर काउंटेड। 24 आवर हैज टू बी ट्रीटेड एज वन डे, राइट। इट इज नॉट एसेंशियल टू स्टे एट वन प्लेस, कंटिन्यूस स्टे इज नॉट रिक्वायर्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। आप बिल्कुल अलग अलग कंट्रीज में भी घूम सकते हैं। सो ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको क्लैरिफाई किया वो यहां पर कवर है। आगे आते हैं, अगर 6(1) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। लेकिन लेकिन सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता, मम्मी को बोलो कॉम्प्लाइंट पे लाए, इसे आरओआर या आरएनओआर बनाए। मतलब अ पर्सन हैज फर्दर नीड्स टू बी क्लासिफाइड इनटू आरओआर और आरएनओआर, ही फर्दर नीड्स टू बी क्लासिफाइड, ही कैनॉट जस्ट बी क्लासिफाइड इनटू रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इफ यू राइट द आंसर एज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, योर आंसर इज टोटली इनकरेक्ट, यू नीड टू फर्दर क्लैरिफाई। आप आईसीएआई का मॉड्यूल खोल करके देख लीजिएगा, आपसे एक्सपेक्टेशन ही यही है। सो आरओआर और आरएनओआर, इफ यू वांट टू बी आरओआर, अब अगर आप मॉड्यूल खोल के पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, उनने आरओआर नहीं लिखा, उनने आरएनओआर का डेफिनेशन लिखा है। सो आप थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाइएगा, मैंने इसको यहां पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आरओआर का दिया है। 6(6) आपको बता रहा है आरओआर होने की कंडीशन क्या है, आरओआर के लिए क्या कंडीशन है, ही हैज टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, ही हैज टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन इन ऑर्डर टू बी आरओआर। सर मुझे एक बात बताइए, हम ये आरओआर आरएनओआर एनआर कर क्यों रहे हैं, सेक्शन 5 बताएगा इसका जवाब, क्योंकि तीनों के लिए इनकम क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, और बस इसीलिए। सो लेट अस स्टार्ट, आरओआर के लिए दो कंडीशन है। अगर आपको आरओआर बनना है, जैसे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सो अगर आपको आरओआर बनना है सो आपको दो नो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में लिखा है एंड, क्या लिखा है बोलो, एंड लिखा है। ही इज रेसिडेंट फॉर 2 out of 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। सर 10 में से कोई भी 2 साल, 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में से कोई भी 2 साल आप रेसिडेंट होने चाहिए। सर रेसिडेंट मतलब किसी भी तरीके से, या तो 182 डेज के हिसाब से या 60 डेज के हिसाब से, किसी भी हिसाब से आप क्या होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए। 10 में से कोई भी 2 साल आप क्या होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए। एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। दूसरी कंडीशन, 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर के अंदर में से कोई भी 730 डेज आपको इंडिया में स्टे करना है। सो 1, 2, 3 स्टार्ट अगेन, अ पर्सन कैन आइदर बी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। मेरे साथ आप अगर ये देख रहे हैं बिंदास हाथ उठाइए, डांस कीजिए, बहुत मजा आएगा। अ पर्सन कैन आइदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, बिंदास हाथ उठाइए, कान में है आपके, कोई टेंशन नहीं, घर वालों को दिखाओ अपन डांस कर रहे हैं। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट है तो दो या दोनों में से एक, दोनों में से एक। ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए, इसे आरओआर आरएनओआर बनाए। आरओआर बनने के लिए कितनी कंडीशन है, दो या दोनों में से एक, पूरी दो। पहला, ही इज रेसिडेंट फॉर 2 out of 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, 10 में से कोई भी 2 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में वो रेसिडेंट होना चाहिए। एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। मॉड्यूल और मेरी बुक के अंदर में इसमें एक प्रॉब्लम है, ब्रेट ली का, वी ब्रेटली कम्स टू इंडिया फॉर 100 डेज एवरी ईयर। अब बताइए रेसिडेंट होगा, आरओआर होगा, आरएनओआर होगा, ऑब्वियस सा जवाब आएगा आरएनओआर,
पूछिए क्यों, अगर वो 100 डेज एवरी ईयर आ रहा है, 100 डेज एवरी ईयर आ रहा है पिछले 10 साल से अगर सेम प्रैक्टिस है, तो 7 सालों में 700 डेज होंगे और मिनिमम 730 डेज चाहिए तो आप आर ओ आर बन सकते हैं, हेंस उसका आंसर होगा आर एन ओ आर। अगर आप 6-6 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाएंगे, आर एन ओ आर। सो हैव अ लुक ऑन द चार्ट, अ पर्सन कैन आइदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इफ यू वॉन्ट टू बी रेसिडेंट स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, इफ यू डू फेल्स टू सेटिस्फाई 6-1 ही विल बी स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट। आर ओ आर आर एन ओ आर 6-6, ही इज रेसिडेंट फॉर 2 out of 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, इफ यू फेल्स टू सेटिस्फाई 6-6 ही विल बी आर एन ओ आर। सो अ पर्सन कैन बी ईदर ऑफ, एन इंडिविजुअल कैन बी ईदर ऑफ इन 3 कैटेगरी, आर ओ आर, आर एन ओ आर, एन आर, ये 3 कैटेगरी इंडिविजुअल के लिए हो सकती है। अब इसके अंदर हमें आए फर्दर एक्सप्लेनेशन एंड एक्सेप्शन, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। नाउ फॉर थ्री पर्सन्स रेसिडेंट मीन्स ओनली 6-1 A एंड नॉट 6-1 B, ध्यान से सुनिए। फॉर थ्री पर्सन रेसिडेंट मीन्स ओनली 182 डेज, 3 लोगों के लिए अगर आप 182 डेज इंडिया में है रेसिडेंट, अदरवाइज स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट। 3 लोगों के लिए अगर आप इंडिया में है 182 डेज से ज्यादा तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। वापस एक बार, 3 लोगों के लिए अगर आप 182 डेज इंडिया में है रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। पहला, पर्सन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर एक पर्सन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, देन 182 डेज अगर पिछले ईयर में वो इंडिया में है रेसिडेंट, अदरवाइज स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट। सेकंड इज शिप क्रू मेंबर, शिप क्रू मेंबर अगर कोई पर्सन है इंडियन शिप क्रू है जो फॉरेन बाउंड शिप के लिए जा रहा है, 182 डेज इंडिया में रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। तीसरा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन केस ऑफ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 182 डेज इंडिया में है रेसिडेंट, अदरवाइज स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट। सो 1, 2, 3 स्टार्ट, 3 लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब ओनली 182 डेज, 6-1 B उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 3 लोगों के लिए, पहला पर्सन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर पर्सन है जो इंडियन एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है। सर 1 मिनट, आपका 1, 2, 3 सवाल बिल्कुल रेडी होंगे। पहला सवाल, सर कैसे पता चलेगा डिपार्टमेंट को कि ये जा रहा है बाहर, टोटली द टॉपिक ऑफ असेसमेंट, रेसिडेंशियल स्टेटस इज सब्जेक्ट टू असेसमेंट, इसीलिए ओनस ऑफ प्रूफ डिपार्टमेंट के ऊपर आता है। कुछ याद आया, हेंस आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं और इसीलिए आपके ऑफिस में इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता, आपको बोला जाता है चुपचाप रेसिडेंट सिलेक्ट करो, अब ये उनका प्रॉब्लम है, वो देखेंगे नॉन रेसिडेंट का प्रोविजन अप्लाई करना है या नहीं अप्लाई करना है। सो इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज रेसिडेंट, कौन कौन 3 लोग, पहला पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, शिप क्रू मेंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ईदर असेसी और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन टू अनडिवाइडेड इंडिया, अगर वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहां बॉर्न हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर में। सर ये अनडिवाइडेड इंडिया मतलब वो डिवीजन जो 14 अगस्त को हुआ था, मतलब आप समझ सकते हैं हमारे खास दोस्त के साथ डिवीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। सो लेट अस स्टार्ट, इस पॉइंट को देखिए, बिलो 3 पर्सन मीन्स ओनली 182 डेज, ये चीज काम की है साहब, ये चीज काम की है। For below 3 person, resident means only 182 days, 60 days conditions are not applicable. पहला person living India for employment, ship crew member and person of Indian origin, right? अच्छा जी सर, सर मैं अगेन आप सभी को एक और बार बता दूं, फिर से एक बार बता दूं, जिसको भी सवाल आ रहे हैं, right? जिसको भी सवाल आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। जिन जिन ने मेरा असेसमेंट का टॉपिक रिवीजन पढ़ा है उनको पता है, उनके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा मैं, एट द एंड पूछेंगे। अभी सिर्फ 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 कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर मेरे भाई, बाकी किसी चीज के ऊपर फोकस मत कर। वैसे ही सीए फाइनल है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, मैं समझ सकता हूं, अभी सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर। मैं ये भी समझ रहा हूं तुझे बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ही 3 साल बाद इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, एक बात का भरोसा रख, वी स्मार्ट इज ऑलवेज विथ यू, आपका डाउट क्लियर होगा बिंदास, बट एट दी एंड, बीच में कोई भी मैसेज मत करो, किसी के भी स्क्रीन पे पोक मत करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देते जाओ। कोई सवाल है बिंदास बाजू में पेपर में लिख लो, आपके सवाल का जवाब मैं दे दूंगा, मेरी गारंटी। लेट्स स्टार्ट। सो 3 लोगों के लिए 182 डेज इंडिया में रेसिडेंट, अदरवाइज स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट, राइट? ओके, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे हम कहेंगे, बिल्कुल अ पर्सन इज सेट टू बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये काम का नहीं है इतना, इफ ही पेरेंट्स और ईदर ग्रैंड पेरेंट्स वेयर बॉर्न इन टू अनडिवाइडेड इंडिया। अब आते हैं इसके ऊपर, ये नोटिफिकेशन
काम का नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन काम का नोटिफिकेशन शिप क्रू मेंबर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, मॉड्यूल में क्वेश्चन भी अवेलेबल है। पहले ये प्रोविजन आई क्यों, इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए, आपको समझ जाएगा ये नोटिफिकेशन क्यों लाना पड़ा विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2015। सवाल क्या था, इस सवाल को समझिए, इश्यू समझना क्या था। लेट अस अंडरस्टैंड, दिस इज अ मुंबई पोर्ट, राइट, दिस इज मुंबई पोर्ट। अब एक फॉरेन बाउंड शिप है जिसको जाना है, लेट्स से हांगकांग। एक मुंबई से शिप निकलती है जिसको जाना है कहां पे, हांगकांग में। अब मुंबई से शिप निकली, ये दो जगह रुकनी है, रुकने वाली है, लेट्स से एक गोवा के अंदर में रुकती है, एक चेन्नई के अंदर में रुकती है, ठीक है। अब एक जो शिप क्रू मेंबर है, लेट्स से पायलट ऑफ दैट पर्टिकुलर शिप, राइट, नेवल ऑफिसर, वो यहीं से साइन करता था अपने फॉरेन बोर्ड शिप को, उनके डॉक्यूमेंट्स रहते थे, वो फॉरेन बोर्ड शिप को साइन करता था कि आई एम लीविंग फॉर हांगकांग। नाउ इश्यू क्या अराइज हुआ होगा, इश्यू ये अराइज हुआ कि जब ये साइन कर देता था, ये अकंपनी कर देता था कि मैं एक फॉरेन शिप के ऊपर जा रहा हूं, यहां तक के सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कहां पे, जब ये शिप निकल के मुंबई से गोवा आया, गोवा से चेन्नई आया, और चेन्नई से निकल करके फिर कहां जाने वाला था, हांगकांग। एओ ने इन वन ऑफ द केस कहा कि सर एक मिनट, आप कोई अभी से फॉरेन शिप पे नहीं बैठे, आप चेन्नई से फॉरेन के लिए निकल रहे हैं, लेकिन मुंबई से लेके चेन्नई तक के तो आप कहां हो, इंडिया में ही हो, तो आप इंडिया में ही काउंट करेंगे इतने नंबर ऑफ डेज को, और ये जो आप साइन कर ले रहे हो, ये साइन करके आप ये बता रहे हो कि आप मुंबई से ही फॉरेन शिप के लिए निकल गए। यहां पे नेवल ऑफिसर कहा, सर एक मिनट, मैं तो मुंबई से ही चढ़ा हूं ना, मेरा बोर्डिंग मुंबई से हुआ, मेरा कस्टम क्लियरेंस पूरा मुंबई से हुआ, आई क्लियर्ड ऑल माय कस्टम फॉर्मेलिटीज एट मुंबई, आई हैवंट क्लियर्ड माय कस्टम फॉर्मेलिटीज एट गोवा एट चेन्नई, सो आई हैव वोटेड फ्रॉम मुंबई, आई विल काउंट फ्रॉम मुंबई। कस्टम ऑफिसर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ नहीं, बट वाइल काउंटिंग योर नंबर ऑफ डेज फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, वी हैव टू ट्रीट यू इन इंडिया, बिकॉज यू गोवा इज इन इंडिया, चेन्नई इज इन इंडिया, हाउ कैन वी अज्यूम यू आर नॉट इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ा इशू था कि एक्चुअल देखा जाए तो एओ भी करेक्ट था और एसएससी भी करेक्ट था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया कस्टम एक्ट के अंदर से, और कस्टम एक्ट के अंदर एक सर्टिफिकेट लाया गया, सर्टिफिकेट को नाम दिया गया कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, नाम ही है कंटिन्यूस डिस्चार्ज, ही इज इन अ कंटिन्यूस बोर्ड वाइल इन गोवा वाइल इन चेन्नई, ही इज ऑन कंटिन्यूस बोर्ड, ये मान लिया गया। जब वो कस्टम क्लियरेंस करेगा तब क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट साइन करेगा जिसका सर्टिफिकेशन इशू आता है कहां से, कस्टम ऑफिसर्स के पास से, राइट, और ये अज्यूम कर लिया जाता है कि वो फॉरेन बाउंड शिप पे आ चुका है। हेंस 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 जब शिप क्रू मेंबर के नंबर ऑफ डेज इन इंडिया काउंट करते रहेंगे, उतना पीरियड जितना फ्रॉम द डेट ही साइन इन टिल द डेट ही साइन ऑफ, बोथ इंक्लूडेड, साइन इन से लेके साइन ऑफ का पूरा पीरियड एक्सक्लूड किया जाता है, पूरा पीरियड क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, मान लिया जाता है वो इंडिया में है ही नहीं। यानी टेक्निकली देखा जाए तो एक बेनिफिट दे दिया गया किसको, शिप क्रू मेंबर को एक बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया गया साहब, और ये बेनिफिट दिया गया शिप क्रू मेंबर को, और इसलिए ये प्रोविजन बना। इसके पीछे का लॉजिक ये है, राइट, अगर लॉजिक में मजा आया होगा तो प्लीज लिखना मजा आ गया, लॉजिक यही था, और इसीलिए बनी एक प्रोविजन। प्रोविजन याद दिलाता हूं, जरा देखिए, फॉर अ शिप क्रू मेंबर, फॉर अ शिप क्रू मेंबर, डेज मेंशन्ड इन कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस। अब कैसे काउंट किया जाएगा इसका थ्योरी समझिए, एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, मुझे लगता है जुलाई 20 जब भी एग्जाम होगा, जुलाई 20 या नवंबर 20 का जब भी एग्जाम होगा, आपको रेसिडेंशियल पे एक क्वेश्चन इस साल जरूर मिल सकता है। पूछिए क्यों, क्या अमेंडमेंट है, आ आ आ नंबर ऑफ डेज, प्रीवियस ईयर 1920 में डेज है 366 रादर देन 365, और ये बात आपको याद रखनी होगी। सो हर बार जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे 366 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, 366, क्योंकि प्रीवियस ईयर 1920 इज अ लीप ईयर, समझ में आ रही बात। सो आप कैसे करेंगे शिप क्रू मेंबर का क्वेश्चन सॉल्व, आप मॉड्यूल ओपन करके देख रहे हैं तो मॉड्यूल में इसके ऊपर क्वेश्चन है, देखिएगा उस क्वेश्चन के अंदर में बताया हुआ है। लेट्स से एक शिप क्रू मेंबर 6 जून को बोर्ड साइन इन करता है और 9 दिसंबर तक के क्या करता है, वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है। अब इसको कैसे काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज जनरली अज्यूम कर लेते हैं इन इंडिया 366, 366 में से अब माइनस करना है कहां से कहां तक का पीरियड, 6 जून से 9 दिसंबर बोथ इंक्लूसिव, इतना पीरियड उसमें से माइनस कर देंगे।
इसके बाद बैलेंस नंबर ऑफ डेज, अगर 182 से ज्यादा है रेसिडेंट, अगर 182 से कम है नॉन रेसिडेंट, गेम ओवर। वापस एक बार ध्यान दिलाता हूं इस कॉन्सेप्ट को, वापस एक बार ध्यान दिला देता हूं, ध्यान से सुनना क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट है सबसे पहले लेना 366, क्या लोगे जल्दी बोलो। 366 कहीं पेपर पे लिख के रखो, बुक पे लिख के रखो, 1920 लीप ईयर है, 366 लेना। जब अमलगमेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे 366 लेना, जब डेप्रिसिएशन डिविजन के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे 366 लेना, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ डेज आता है मेरे बाबू 366। 366 में से सबसे पहले जितना पीरियड कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में लिखा है, मॉड्यूल खोल के बैठे हो, मेरे नोट्स खोल के बैठे हो, एक क्वेश्चन है इसके अंदर में, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ये है वो क्वेश्चन, ये है मेरे भाई वो क्वेश्चन, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, नवंबर 16 में भी आया है, आरटीपी के अंदर में भी ये क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, आलोक इज एन इंडियन सिटीजन एंड मेंबर ऑफ शिप क्रू ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप एंगेज्ड इन पैसेंजर। कहां से कहां तक का लिखा है, ही टेक द बोर्ड फ्रॉम मुंबई पोर्ट ऑन 6 जून, राइट, एंट्री डेट इन सीडीसी 6 जून, एंट्री डेट इनटू साइनिंग ऑफ 9 दिसंबर। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, नंबर ऑफ डेज 366, इसमें से 6 जून से 9 दिसंबर का जो पीरियड है बोथ इंक्लूसिव, वो क्या कर देना, हटा देना। बचे हुए नंबर ऑफ डेज 182 से ज्यादा है रेसिडेंट, 182 से कम है नॉन रेसिडेंट, गेम ओवर। इस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हाँ, और जैसे कि मैंने कहा था, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, चिपके रहना, बिल्कुल चिपके रहना, क्योंकि अगर आपको कुछ बातें अभी तक पता चल गई है तो आपको समझ में आ गया आपकी पढ़ाई कैसी हुई है। बिल्कुल चिपके रहना, इतना बेहतर करवाऊंगा, भले ही रिविजन है पर बेहतर करवा दूंगा, ध्यान से सुनना। लेट अस स्टार्ट, इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस 6-1 की बात कर रहे हैं, अ पर्सन कैन आइदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो दो या दोनों में से एक, दोनों में से एक, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट है तो मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिला इसे, आरओआर या आरएनओआर बनाए। आरओआर के लिए कितनी कंडीशन चाहिए, दो कंडीशन चाहिए, कौन सी दो, वो रेसिडेंट होना चाहिए 2 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आरओआर, अदरवाइज आरएनओआर। तीन लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब ओनली 182 डेज, कौन से तीन लोग हैं, पहला पर्सन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, शिप क्रू मेंबर एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसमें से शिप क्रू मेंबर का जब हम पीरियड काउंट करते रहते तो उतना पीरियड जितना सीडीसी में लिखा है, उतना पीरियड जितना सीडीसी में लिखा है, उतने पीरियड को हम क्या कर देते, एक्सक्लूड कर देते। बैलेंस नंबर ऑफ डेज 182 के ऊपर है रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। लेट अस स्टार्ट, ये था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हां आते हैं साहब, मॉड्यूल में है देख लीजिए आप, है आपके नोट्स में है सब, बिल्कुल है, हमने क्लास में सॉल्व भी किया है, फर्स्ट एक्ट में भी है। ये हुआ 6-1, आते हैं 6-2 के ऊपर। 6-2 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, आज तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं रेलेवेंट रखता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, एक बार दिमाग में रख लेना। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ कैसे निकालेंगे, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वर्ड क्या लिखा है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वेयर डिसीजन आर टेकन, सिंपल शब्दों में वेयर डिसीजन आर टेकन। ना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद रखना, ना सेक्शन को याद रखना। 6-2 दो लोग मिलकर परिवार बनाते हैं, अगेन एचयूएफ कैन बी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट है तो क्या होना चाहिए, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली, वर्ड को ध्यान रखना, होली और पार्टली, पूरा कंट्रोल इंडिया में हो, पार्ट ऑफ द कंट्रोल भी इंडिया में हो, रेसिडेंट। इसीलिए तो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे एचयूएफ को बाय डिफॉल्ट क्या मान लेते हैं, रेसिडेंट, क्यों, सेक्शन खुद कहता है, 6-2 खुद कहता है बाय डिफॉल्ट में पार्टली डिसीजन, एक डिसीजन में इंडिया में हो गया तो आप क्या हो, रेसिडेंट, तो बाय डिफॉल्ट में क्या मानेंगे, रेसिडेंट। इसीलिए डिपार्टमेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, एसएससी को प्रूव करना है कर ले, एक भी डिसीजन इंडिया में हुआ तो। सर अब इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इंडिया में है या नहीं है, टेक्निकली स्पीकिंग बहुत यू नो इररिलेवेंट है, पूछते भी नहीं, उनको अगर शक हुआ तो असेसमेंट में काउंट करते हैं, नहीं तो नहीं करते, एकदम फैक्चुअल पॉइंट है। ऑफिसर्स में हमने यही देखा और आज तक के ऑलमोस्ट 10 साल का प्रैक्टिस हो चुका है, एक भी केस ऐसा मैंने तो नहीं देखा कि जिसके अंदर में इश्यू अराइज हुआ। सो इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट है तो फर्दर एचयूएफ ऑल्सो नीड्स टू बी क्लासिफाइड इनटू आरओआर एंड आरएनओआर। सो एचयूएफ फर्दर नीड्स टू बी क्लासिफाइड इनटू आरओआर एंड आरएनओआर। हाउ एचयूएफ कैन बी आरओआर, इफ कर्ता 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 कर्ता, इफ कर्ता सेटिस्फाई 6-6 होल एचयूएफ आरओआर, अदरवाइज होल एचयूएफ आरएनओआर। इफ कर्ता
सेटिस्फाई 66 होल एच यू एफ आर ओ आर, अदरवाइज होल एच यू एफ आर एन ओ आर 66। हाँ बिल्कुल वही, 2 out of 10, 730 इन 7 प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर। लेट अस हैव अ चार्ट। रेसिडेंशियल स्टेटस 62, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा जनाब, बड़ा मजा आएगा। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली। सो अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लीजिए कोई एक एचयूएफ है, राइट, एक एचयूएफ है, हस्बैंड इज इन पाकिस्तान, वाइफ इज इन इंडिया, वाइफ इज इन इंडिया, वन ऑफ द डिसीजन इज टेकन इन इंडिया, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, गेम ओवर। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, नॉन रेसिडेंट, इफ करता सेटिस्फाई 66 होल एच यू एफ आर ओ आर, अदरवाइज होल एच यू एफ आर एन ओ आर 66, बिल्कुल वही कंडीशन है, वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं। इस लाइन को ध्यान रखना, ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा, ये बड़ा होके क्या बनेगा बोलो मेरे भाई, एमसीक्यू बनेगा। ओनली इंडिविजुअल एन एच यू एफ, ओनली इंडिविजुअल एन एच यू एफ कुड बी आर ओ आर आर एन ओ आर, रेस्ट ऑल अदर पर्सन कैन ईदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, कैन ईदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, गेटिंग इट और नॉट। चलिए सर, सो ये हुआ दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म, दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म 6-2। अब आते हैं 6-4 के ऊपर, किसके ऊपर आएंगे मालिक, 6-4 के ऊपर आएंगे, 6-4 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर। पर सर 6-3 सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है फाइनल में। हाँ 6 में भी सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंस से पढ़ो, कनेक्ट करके पढ़ो, मजा आता है साहब, चेक कीजिएगा। 6-3 पूरा का पूरा कट कॉपी पेस्ट 6-2, आर ओ आर का कंडीशन हटा दो, बाकी कट कॉपी पेस्ट पूरा का पूरा। सर मतलब वही, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। सर अदर में कौन आया, वापस से याद करो पर्सन की डेफिनेशन क्या थी, इंडिविजुअल वो तो हम 6-1 में पढ़ चुके हैं, एच यू एफ वो तो हम 6-2 में पढ़ चुके हैं, फर्म कंपनी 6-3 के अंदर में है, एओपी बीओआई एजेपी, मतलब इसके अंदर कौन कौन कवर हुए, फर्म एओपी बीओआई एजेपी, बताने की जरूरत नहीं, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, लोकल अथॉरिटी कवर्ड, वो सब इसके अंदर में आ गई। 6-4 इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट, गेम ओवर। सो चेक कीजिएगा, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, तो फर्म का अगर एक डिसीजन भी इंडिया में हो गया, फर्म रेसिडेंट, गेम ओवर। आते हैं 6-3, ये है काम की चीज बाबू, ये है किसके, काम की चीज बाबू। पहले इस डेफिनेशन को पढ़िए, मैं कुछ बहुत अजीब सवाल आपसे पूछने वाला हूं, इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए, और कल से अगर मैं आपको इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे कम्युनिकेट कर देता हूं कि भैया ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि चुपचाप उस टॉपिक को बैठना, पढ़ना और शाम में आकर के मेरे साथ पूरा का पूरा फटाफट रिवाइज कर देना, डीटी खत्म करवा दूंगा मैं साहब आपका, डीटी खत्म करवा दूंगा, ध्यान से सुनना। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज, पॉइंट एक, कंपनीज कई कई जगह पे आप इनकम टैक्स में देखेंगे, वहां पे इंडियन कंपनीज का मेंशनिंग होगा, कई कई जगह पे डोमेस्टिक कंपनी का मेंशनिंग होगा। यहां पे क्या बात कर रहे हैं, यहां पे वो बात कर रहे हैं इंडियन कंपनीज की, राइट। सो इंडियन कंपनीज ऑलवेज रेसिडेंट, सो इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, रजिस्टर्ड इन इंडिया, इट इज ऑलवेज रेसिडेंट, भले ही 100% एक्सपोर्ट क्यों ना कर रहे हो। फॉरेन कंपनी, पोयम इन इंडिया, पोयम आउटसाइड इंडिया, पोयम इन इंडिया, पोयम आउटसाइड इंडिया, अगर पोयम इंडिया में है रेसिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया है नॉन रेसिडेंट। अब इसकी हिस्ट्री सुनिए, आपको बहुत लॉजिकल काम आएगी इसकी हिस्ट्री को। सर हुआ क्या था, हुआ यह था सर, ओईसीडी गाइडलाइंस, वापस से जा रहा हूं मैं, आप भले ही ओल्ड कोर्स के लिए देख रहे हो उसे, लेकिन ओल्ड कोर्स वालों को भी कुछ न्यू कोर्स की इंपॉर्टेंट बातें समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल इसका लिंक जुड़ते हैं, पोयम गाइडलाइन के लिंक जुड़ते हैं, बहुत लोग शायद पहली बार हिस्ट्री सुन रहे होंगे, तो दिल लगा के हिस्ट्री सुनिएगा, क्योंकि यही चीज मैं आपको वापस उन चैप्टर्स में जोड़ूंगा। वियना कन्वेंशन, पहली बार किसी कंट्री के अंदर में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट से और टैक्स इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड लॉ बनते हैं, वियना कन्वेंशन, जो न्यू सिलेबस वाले हैं उनने ये सुना होगा। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि इंडियन डेफिनेशन, इंडिया में जब लॉ बनता है तब पहली बार डेफिनेशन बनती है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के साथ, यानी जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो यहां पे भी लिखा हुआ था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। लेकिन फिर हुआ क्या, जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का डेफिनेशन लाया गया तो देखा गया कुछ कंपनीज इसको बहुत इजीली ओवरराइड कर देती थी, सम ऑफ द कंपनी वेयर इजीली ओवरराइडिंग इट, हाउ, बाय कीपिंग वन ऑर द अदर मीटिंग आउटसाइड इंडिया, देयर बाय शिफ्टिंग देयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली टू आउटसाइड इंडिया, बाय विच दे वेयर ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया एंड अवॉइडिंग द मेजर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। देन क्या हुआ, देन फिर से एक और ओईसीडी की गाइडलाइंस चेंज हुई, इस ओईसीडी की न्यू गाइडलाइंस को इंडिया ने भी अडॉप्ट किया।
और इंटरनेशनली कई कंट्रीज जो ऑलरेडी एक गाइडलाइन अडॉप्ट कर चुकी थी, पोयम कहा जाता है इसे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इंडिया ने भी इस ओईसीडी और न्यू गाइडलाइन जो कई कंट्री ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी थी उन्हें क्या किया, हमने भी अडॉप्ट किया और हमने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वर्ड को रिप्लेस करके लाया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। 2016 के अंदर में ये अमेंडमेंट कर दिया और कहा गया कि 2017 के अंदर में हम इसे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, सॉरी 2016 में इसे अप्लाई करेंगे। 2016 के अंदर में अप्लाई जब करने वाले थे तब कई प्रोफेशनल्स एज वेल एज कंपनी ने रिकमेंड किया कि सर इसे एक साल से डिफर कर दीजिए क्योंकि इंडिया अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। इसे एक साल से डिफर किया गया और पहले सिर्फ कंसेप्ट लाया गया और बाद में एक सर्कुलर इशू करके पोयम का पूरा गाइडलाइन दिया गया। और इसीलिए जब आप 6.3 पढ़ेंगे तो आपको सेक्शन तो पढ़ना ही होगा प्लस उस गाइडलाइन को भी पढ़ना होगा जो गाइडलाइन बताती है पोयम कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। हेंस वो है सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 6/2017। इट वॉज अनादर मैन, श्री लेट अरुण जेटली साहब, जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। इंटरनेशनल टैक्स में दो नाम आप मेरे मुंह से बार बार सुनेंगे, एक मनमोहन सिंह साहब और दूसरा अरुण जेटली साहब, क्योंकि ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत जबरदस्त चेंजेस किए इस चैप्टर के अंदर में। 2017 आओ देखा ना, ताओ सर्कुलर ला दिया, पोयम की गाइडलाइंस को लेकर के आ गए। और अब पोयम की गाइडलाइंस को क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है हर फॉरेन कंपनी के क्लासिफिकेशन के लिए। दो बात समझा दूं, पहला पोयम की गाइडलाइन सीए इंटर वालों के लिए नहीं है, तो अगर कोई सीए इंटर वाला इसको देख रहा होगा प्लीज आप बाहर चल जाए, आपके काम की चीज नहीं है। दूसरा ये सीए सीए सीएम है तीनों वालों के लिए, तो आपको हर एक को ये गाइडलाइन देखनी ही होगी। सर क्या इस गाइडलाइन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है क्या, आंसर इज यस। 2018 का पेपर उठा के देखिए, 2019 का पेपर उठा के देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर 6C के अंदर में एक पूरी केस स्टडी एमटीपी के अंदर में इस बेसिस पे लाई गई है, तो इसको अवॉइड करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, ध्यान से सुनना, यहां हम टाइम लगाएंगे, ध्यान से सुनना। कंपनी अगर कंपनी इंडियन कंपनी है ऑलवेज रेसिडेंट, कंपनी इंडियन कंपनी है ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी पोयम इन इंडिया, पोयम अगर इंडिया में है, यहां पार्टली और फुल्ली की बात ही नहीं चल रही है, पोयम इंडिया में है या नहीं है, पार्टली कुछ नहीं हो सकता यहां पे, है या नहीं है, पोयम इन इंडिया रेसिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट, गेम ओवर। याद रखने का और सिंपल तरीका भी है, इंडिया में हम कविता होती है, फॉरेन में पोयम होती है, तो ये जो पोयम का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए है, इंडियन कंपनीज के लिए बिल्कुल नहीं है सेट। आइए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ पोयम सर्कुलर नंबर 6/2017। इसके बाद एक और सर्कुलर आता है, ध्यान से सुनिए, सर्कुलर 6 जब पोयम की गाइडलाइंस को लाया गया तो अगेन एक एजिटेशन हुआ कि छोटी कंपनीज को इस गाइडलाइंस के अंदर में क्या करना है। मेजरली ऐसी फॉरेन कंपनीज जो इंडिया के अंदर में सिर्फ लाइसेंस ऑफिस ऑपरेट कर रही होगी। एक मिनट स्टॉप, यहां एक नया वर्ड आया, लाइसेंस ऑफिस। क्या बेटा, लाइसेंस ऑफिस। मैंने आपको बोला था 2 पेज इंटरनेशनल टैक्स डिक्शनरी नाम की चीज बनानी है आपको, ठीक है, उस डिक्शनरी के पेज पे जाइए, वहां पे जाइए, वहां पे सीधे शब्दों में लाइसेंस ऑफिस नाम लिखिए। ये तब काम आएगा जब हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नाम का कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे या आर्टिकल 5 पढ़ रहे होंगे, आर्टिकल 5 पढ़ रहे होंगे जब हम ओईसीडी का, तब हम इसको काम में लेंगे या अभी काम में लेंगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के टाइम पे। लाइसेंस ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस मतलब ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन। नॉट ट्रेडिंग मतलब एक फॉरेन कंपनी का इंडिया में ऑफिस जहां पे सिर्फ कम्युनिकेशन होता है या फिर इसे एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सर एडवर्टीजमेंट मतलब मैं आपको बताता हूं, अब जैसे आप आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो 7-Eleven करके एक मेगा स्टोर है, 7-Eleven, ये इंडिया में मेगा स्टोर नहीं है। अब ऐसे केसेस में वो क्या करते हैं, इंडिया में एडवर्टीजमेंट करते हैं कि आप कभी भी बाहर आए तो यहां से जाकर के सामान खरीदें, इसलिए क्या किया जाता है, लाइसेंस ऑफिस सेटअप किया जाता है, राइट। जैसे आप इधर जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, तो वर्जिन मोबाइल्स के एडवर्टीजमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मुंबई या दिल्ली एयरपोर्ट के पास कभी गए होंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज लाइसेंस ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस के अंदर में से कहीं भी कोई सेल नहीं होगा, यहां से सिर्फ कम्युनिकेशन होगा, दूसरा प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट्स के लिए ये रखा जाएगा। अब पॉइंट क्या है जरा सुनिए, सवाल ये था कि जब 2016 में सर्कुलर नंबर 6 ला करके पोयम कॉन्सेप्ट को लाया गया तो पूछा गया कि भैया क्या पोयम हर एक कंपनी के ऊपर लाना जरूरी है, छोटी कंपनीज को अवॉइड कर दीजिए जो लाइसेंस ऑफिस रख रही है, जो कुछ कमा नहीं रही है, उनका पोयम में क्या काम। इस बात को कंसिडर किया गया, एक और सर्कुलर लाया गया, सर्कुलर नंबर 8/2017।
दोनों बुक में मेरे लिखे हैं, जरा समझिएगा। सर्कुलर नंबर 8 2017 लाया गया और कहा गया इस पोयम की गाइडलाइन को अप्लाई नहीं किया जाएगा जहां पे कंपनी का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 50 करोड़ से कम है। मतलब अगर कंपनी का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 50 करोड़ से कम है तो पोयम के कंसेप्ट को देखना ही नहीं है, पोयम के कंसेप्ट को अप्लाई ही नहीं करना है बिल्कुल। इस कंपनी को मान लेंगे हम, पोयम इसका आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, हम इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाएंगे, हम असेसमेंट ही नहीं करेंगे। 2 मिनट, क्या पोयम की गाइडलाइन असेसी को अप्लाई करना है क्या? आंसर इज नो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एओ के ऊपर, याद दिला देता हूं। व्हाट इज सर्कुलर? सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन एओ, ये गाइडलाइन एओ अप्लाई करेगा। सर एओ? हाँ, आपको नहीं करना होता, इसीलिए देखा होगा जब आप अपने ऑफिस में भी होंगे, कभी भी आपने कंपनी के पोयम की गाइडलाइन को आपको आपके बॉस ने कभी पढ़ने नहीं बोला। क्यों नहीं पढ़ने बोला? आपने कभी दिमाग क्यों नहीं लगाया कि क्यों मेरा बॉस मुझे पोयम की गाइडलाइन नहीं पढ़ने बोल रहा है? वो इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आपका काम ही नहीं है। याद कीजिए, इंडिविजुअल और कंपनी के केस में ओनर्स ऑफ प्रूफ इसके ऊपर है, डिपार्टमेंट के ऊपर। दूसरी बात, हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर पढ़ रहे हैं सेठ। सर्कुलर किसके ऊपर बाइंडिंग है? पेपर 7 बताता है सर्कुलर बाइंडिंग है किसके ऊपर? एओ के ऊपर, और बेनिफिशियल होगा तो असेसी अप्लाई कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सर्कुलर का कंप्लायंस एओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एओ जब असेसमेंट करते रहेगा वो ये काम कर सकता है। तो सर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है ये? आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि एओ अगर आपके क्लाइंट, कोई नॉन रेसिडेंट क्लाइंट को वो रेसिडेंट डिक्लेयर कर दे तो आपको पता होना चाहिए किस बेसिस पे डिक्लेयर किया, आपको रूल्स पता होने चाहिए, इसलिए आपको ये गाइडलाइन पढ़नी है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है आपके लाइफ में। बहुत लोगों को आप समझ आया होगा, ध्यान से सुनिए कॉन्सेप्ट को, देखिए। व्हाट इज पोयम? पोयम मींस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अ प्लेस वेयर की एंड मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजंस आर टेकन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस एज अ होल, वेयर इन सब्सटेंस मेड। सो मेजरली देखा जाएगा, पोयम गाइडलाइन शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी हैविंग अ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ऑफ 50 करोड़ और लेस इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो उनके ऊपर ये गाइडलाइन बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा है या ग्रॉस रिसीट 50 करोड़ से ऊपर नहीं जा रही। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, यहां 2 सिचुएशंस के बेसिस पे दी गई है गाइडलाइन, ध्यान से सुनिए। एक, डेटा अवेलेबल है, दूसरा डेटा अवेलेबल नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं आपकी अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी कर रहा हूं। नाउ यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाउ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, नाउ यू आर नॉट अ असेसी, नाउ यू आर अ असेसिंग ऑफिसर। जब इस गाइडलाइन को पढ़ रहे हो, इस गाइडलाइन को 2 एंगल से आपको समझना है। एक, आपके पास उस फॉरेन कंपनी की सारी डिटेल अवेलेबल, लेट्स अज्यूम यू आर एओ, आप अज्यूम कर लीजिए आप कौन है, असेसिंग ऑफिसर है। लेट अस अज्यूम आपके पास एक कंपनी की डिटेल अवेलेबल है, पूरे डिटेल, टर्नओवर के डिटेल, यू नो इनकम के डिटेल, अदर रिसीट्स के डिटेल, सब एम्प्लॉय की डिटेल सब अवेलेबल है। दूसरा सिचुएशन, आपके पास कंपनी की डिटेल अवेलेबल नहीं है। 2 बातें हो सकती है, आप ये हो असेसमेंट करने जा रहे हो, इस पॉइंट को अगर किसी ने मिस कर लिया ना साहब, बहुत मिस करेगा, और इस पॉइंट को मेरे साथ किसी ने पढ़ लिया, मेरे को देगा भाई रिस्पेक्ट, मजा आ गया, भाई रिस्पेक्ट देगा, ध्यान से सुनना। तो सर 2 बातें, लेट अस अज्यूम आई एम एओ, मेरे पास कंपनी की इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन मतलब मेरे पास क्या है? मुझे पता है कंपनी के कितने एम्प्लॉई है, मुझे पता है कंपनी की इनकम कितनी है, मुझे पता है कंपनी किस तरीके से कमा रही है, कंपनी के असेट कहाँ है। दूसरा, मुझे नहीं पता कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ये 2 सिचुएशन मेरे सामने आ सकती है, और इन दोनों सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए पोयम की गाइडलाइन को बनाया गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक, यहां पर दिखेगा आपको सिचुएशन 1, दूसरा आपको दिखेगा नेक्स्ट पेज के ऊपर सिचुएशन 2। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 1 जब आपके पास सारी डिटेल अवेलेबल है, सिचुएशन 2 जब आपके पास सारी डिटेल अवेलेबल नहीं है। ये 2 सिचुएशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मालिक? ओके, आइए पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सिचुएशन 1, सिचुएशन 1, इस पोयम गाइडलाइन को अप्लाई क्यों नहीं किया जा सकता था? अब मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा रीजन समझाता हूं। 2016 आप लोगों ने क्या किया, गाइडलाइन तो लेकर के आ गए, हम फाइनेंस मिनिस्टर से अब एक सवाल पूछते हैं। सर 2016 हम लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर को क्या कर दिया, गाइडलाइन तो लाने बोल दिया। ओईसीडी में हम लोग गए, हमने बोला हाँ हम भी अप्लाई करेंगे अपने इंडिया में इस गाइडलाइन को। इंडिया में आए, छाप दिया, लो साहब पोयम गाइडलाइन आप लोग के ऊपर एप्लीकेबल। लेकिन एक क्वेश्चन था, जब पोयम गाइडलाइन लाई गई तब एक सवाल था, हमारे पास कोई ऐसा सेक्शन नहीं था। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ट्रांसफर प्राइसिंग लिंक कर रहा हूं, ट्रांसफर प्राइसिंग लिंक कर रहा हूं मैं, ट्रांसफर प्राइसिंग लिंक कर रहा हूं। जब हम लोग ने ये सेक्शन लेकर के आया कि हम पोयम गाइडलाइन अप्लाई करेंगे, सिचुएशन 1 हमें डिटेल पता होनी चाहिए, सारे एओ ने सवाल पूछा, आप एक कोई ऐसा सेक्शन तो बताइए जिसमें हम ये इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं।
पूरे इनकम टैक्स में कहीं ऐसा सेक्शन ही नहीं था जहां फॉरेन कंपनीज को अपनी ये डिटेल मेंटेन करनी थी इंडिया के अंदर में, ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं था। चलिए चलते हैं, डिटेल कहां मेंटेन करनी होती है इसके लिए सेक्शन है 92D, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग बोलता है आपको प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है। प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन मतलब क्या थी उस टाइम तक? प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन का मतलब था सिर्फ लोकल फाइल। लोकल फाइल का मतलब क्या है? और बेसिक में चलते हैं और डिटेल में चलते हैं। बेसिक फाइल, लोकल फाइल का मतलब क्या है? लोकल फाइल का मतलब था साहब कि सिर्फ जो इंडिया में कमाया उसकी डिटेल रखनी थी। लेकिन इस बेसिस पे हम रेसिडेंट कैसे डिटरमाइन कर सकते थे? हमें तो ग्लोबल डिटेल चाहिए थी। आप आगे गाइडलाइन पढ़ेंगे तो आपको समझेगा मैं क्या बता रहा हूं। हमें ग्लोबल डिटेल चाहिए थी जो पॉसिबल ही नहीं थी इसके बदले में। और इसलिए इसलिए ध्यान से सुनना, 92E नहीं, 92D, 92D डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, E 92E के रिपोर्टिंग की बात करता है। रिपोर्टिंग में हम सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग नहीं देते, ट्रांजैक्शन जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होते थे उनकी देते थे मेजरली। अब सवाल क्या हुआ कि हमारे को कोई एक ऐसा सेक्शन चाहिए था जो हमें क्या करे, हमारे को कोई एक ऐसा सेक्शन चाहिए था जो हमें फॉरेन कंपनी की डिटेल्स को यहां भी डिस्क्लोज करने बोले। और ये वो चीज थी जिसके कारण आया मालिक सेक्शन 286, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग साहब, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। और ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में अमेंडमेंट भी आया और अब लोकल फाइल के अलावा मास्टर फाइल भी मेंटेन करनी है। 2019 का ट्रांसफर प्राइसिंग अमेंडमेंट है। जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग में जाएंगे तब हम देखेंगे कि लोकल फाइल के साथ साथ अब मास्टर फाइल भी हमको यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ रही है, मास्टर फाइल भी मेंटेन करनी पड़ रही है। और 286 ऐसा एक सेक्शन लाया गया जिसने कहा अब कंपनी को उनके हर डिटेल को मेंटेन करना होगा, जिसके तहत एओ पोयम की गाइडलाइन को यूज करके क्या करेगा, पोयम की गाइडलाइन को यूज करके क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कंपनी रेसिडेंट है या नहीं। तो इतना बड़ा चक्रव्यूह बना तब आज जाके पोयम गाइडलाइन इफेक्टिवली अप्लाई हो पाई 2020 के अंदर में। 2019 तक के तो सिर्फ गाइडलाइन ला करके रखी थी, एक्चुअली अप्लाई ही नहीं कर सकते थे। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते थे? अरे 286 ही नहीं था। जब कोई सेक्शन ही नहीं होता जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगे, किस बेसिस पे आप क्या कर लेते थे, असेसमेंट कर लेते थे। एओ कंपनी का असेसमेंट ओपन करने जाता, वो स्टक हो जाता, वो मांगता फॉरेन कंपनी से लाओ भाई अपनी इंफॉर्मेशन दो। फॉरेन कंपनी बोलती है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके कोई भी लॉ में लिखी नहीं है जो देना है, पहले मेरे असेसमेंट ओपन करो, असेसमेंट ओपन करो, 142(1) का पावर यूज करो या 133 का पावर यूज करो, इंफॉर्मेशन मंगाओ। अब अगर उसकी असेसमेंट ओपन ही नहीं होनी, हमें सबसे पहले यह देखना है वो रेसिडेंट है या नहीं है, ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं था। इसलिए क्या लेके आए, 286 लेकर के आया, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। इस फॉरेन कंपनी में, इस फॉरेन कंपनी में, इस फॉरेन कंपनी में जितनी भी जगह पे ब्रांच रखी है, लाइसेंस ऑफिस रखा है, सबका हिसाब इधर दो। लोकल फाइल के साथ मास्टर फाइल मेंटेन करो। जब मास्टर फाइल मेंटेन करोगे तब एओ के पास इसके सारी डिटेल आएगी और तब प्रैक्टिकली सिचुएशन वन पोएम की अप्लाई हो पाएगी। तो कहां से घूम के आए हम गए 63, 63 से गए कहां, पोयम की गाइडलाइन में, सर्कुलर नंबर 6 2017। यहां से गए सर्कुलर 8 2017। यहां से हमें पता चला कि हाँ सिचुएशन वन अप्लाई करना है हमें पोयम की गाइडलाइन के लिए। लेकिन अब तक हम क्या करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, इंफॉर्मेशन ही नहीं थी तो कैसे पता करते। इसके लिए देखा कि क्या इंफॉर्मेशन 92D के तहत मेंटेन हो सकती थी, पता चला नहीं। वहां पे तो सिर्फ तब तक के लोकल फाइल का कॉन्सेप्ट था, मास्टर फाइल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मास्टर फाइल मतलब हर जगह का डिटेल यहां मेंटेन करना, लोकल फाइल का मतलब सिर्फ यहीं के जितने ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल मेंटेन कर लेना। इसीलिए एक और सेक्शन लाया 286। जाएंगे जब ट्रांसफर प्राइसिंग में जाएंगे तो इन दो सेक्शंस में भी जाएंगे, 92D एंड 286। समझ में आई बात? तब हमें पता चला एक और सेक्शन लेके आए 286, जिसने कहा कि हर जगह की इंफॉर्मेशन मेटा मेंटेन करो, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। तब जाके एओ के पास क्या आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी। अब एओ के पास इंफॉर्मेशन है तो वो क्या कर पाएगा, पोयम की इस गाइडलाइन के हिसाब से अब वो सिचुएशन वन भी अप्लाई कर सकता है या सिचुएशन टू भी अप्लाई कर सकता है। जिसको पहली बार समझ आया भाई साहब रिस्पेक्ट, और बेटा सारे दोस्तों को सिखाना, आपके जितने दोस्तों सारे दोस्तों को सिखाना।
जब उसको ये पूरा चक्र समझ में आएगा ना, 6-3 से सर्कुलर, सर्कुलर से 92D, 92D से यहाँ 2019, 2019 इधर अमेंडमेंट आया, लोकल फाइल के साथ मास्टर फाइल भी मेंटेन करो। और जब ये पूरा चक्र उसको समझाओगे एक बार में सेट होगा। और अब देखो उसको कैसे समझ में आता है सिचुएशन वन, अदरवाइज सिचुएशन वन पढ़ के कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर आपको ये चक्र नहीं पता है पूरी इंफॉर्मेशन का, सिचुएशन वन पढ़ के कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, पढ़ो तो ऐसा पढ़ने का। सिचुएशन वन क्या है आइए जरा देखते हैं। सिचुएशन वन तभी अप्लाई हो सकती है जब एओ के पास इंफॉर्मेशन हो। अब एओ के पास इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? 286 कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग के तहत कंपनी को मेंटेन करनी होगी। 92D के तहत वो क्या करेगा, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा। 92E के तहत उसको वो रिपोर्टिंग मिलेगा। अब उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो चेक करेगा क्या वो सिचुएशन वन अप्लाई करके कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर सकता है क्या। लेट अस स्टार्ट। इफ बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन सिचुएशन वन के हिसाब से एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मान लिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। दो सिचुएशन पूरी होनी चाहिए, कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। आउटसाइड इंडिया मतलब हम बोलेंगे कि वो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है मतलब उसको मेजर प्रोविजन यहां के एप्लीकेबल नहीं है। पहला, कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। दो कंडीशन है, पहला एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरा दूसरा मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। दो कंडीशन, दो कंडीशन ध्यान से सुनिए, दो कंडीशन ध्यान से सुनिए। पहला एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। ये दोनों के बीच में प्लस है, ये दोनों के बीच में एंड है, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। सिचुएशन वन दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। सिचुएशन वन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है और आपका मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग का हो रही है आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो हम मान लेंगे पोयम आउटसाइड इंडिया। पोयम आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। हम मतलब कौन, एसएससी आ आ आ एओ, हम कौन, एओ। एओ मान लेगा कि ये फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट है और अब इसके ऊपर प्रोविजन उस हिसाब से लगाए जाएंगे। सवाल एक, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कैसे देखेगा एओ मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग, क्लियर कट मेरे भाई, इसके मिनट्स होंगे वहां से पता चल जाएगा। दूसरा, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कब माना जाए आइए देखते हैं। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा अगर आप चार कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। एक्टिव एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा अगर आप चार कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा अगर आप चार कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। राइट, अगर आप चार कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। आइए सर ध्यान से सुनते हैं। लेस देन 50% ऑफ द असेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया, इन वर्ड्स को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। राइट, आउटसाइड इंडिया की डिटेल दी है पर बहुत सिंपल में कर दिया। लेस देन 50% ऑफ द असेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया, स्टॉप। कैसे डिटरमाइन करेंगे कंपनी के असेट कितने हैं, कहां हैं, कैसे कैसे पता चलेगा कौन कौन सी कंट्री में ऑपरेट कर रही है। इमेजिन अ कंपनी, इमेजिन अ कंपनी मेरे भाई, इमेजिन अ कंपनी लाइक अमेजोन, इमेजिन अ कंपनी लाइक फेसबुक, इमेजिन अ कंपनी लाइक एडिडास, रीबॉक। कैसे डिटरमाइन करोगे कितने कंट्री में है, अब पता चल सकता है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग सेक्शन 286। अगर टोटल असेट देखेंगे मास्टर फाइल से, क्या मंगाएगा एओ, एओ मंगाएगा पूरे का पूरा मास्टर फाइल असेसमेंट करने के लिए। कंपनी का टोटल असेट देखेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जरूर बनी होगी उसके अंदर में। कंपनी का क्या देखेगा, टोटल असेट देखेगा। अगर टोटल असेट का 50% से ज्यादा आउटसाइड इंडिया है, मतलब 50% से ज्यादा इंडिया में नहीं है, तो हम मान लेंगे एक्टिव बिजनेसेस आउटसाइड इंडिया। पर क्या सिर्फ एक कंडीशन पे, नहीं, चारों कंडीशन पे। पहला, 50% से ज्यादा के असेट इंडिया में सिचुएट होना चाहिए। दूसरा, लेस देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर 50% से कम आपके टोटल एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय की डिटेल कहां मिलेगी उसको, अगेन मास्टर फाइल, मास्टर फाइल से उसको टोटल एम्प्लॉय की डिटेल मिल जाएगी। लेट्स से टोटल एम्प्लॉय 100 है, 50 से कम अगर इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया मान लेंगे एक्टिव बिजनेस। तीसरा, पेरोल एक्सपेंसेस आर लेस देन 50% ऑफ द टोटल पेरोल एक्सपेंसेस, कंपनी का टोटल पेरोल देखा जाएगा। राइट, जितने लोगों ने अपने ऑफिस के अंदर में इंटरनेशनल कंपनीज के लिए काम किया होगा उन्हें पता होगा सैलरी वेजेस नहीं लिखा जाता, वहां पे पेरोल लिखा जाता है। और इसीलिए जब आप पेरोल की डेफिनेशन भी पढ़ोगे पोएम की गाइडलाइन में, उसमें सैलरी वेजेस सब कुछ कवर किया हुआ है। अगर 50% से कम पेरोल एक्सपेंसेस इंडिया में है
तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, क्योंकि आप इंडिया में एक्टिव नहीं है, ना आपके असेट 50% से ज्यादा इंडिया में है, ना एम्प्लॉय 50% से ज्यादा इंडिया में है, ना आप सैलरी इंडिया में 50% से ज्यादा दे रहे हैं, तो आप एक्टिवली बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहे। एंड लास्ट, इफ पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम, अगर पैसिव इनकम 50% से ज्यादा नहीं है ऑफ इट्स टोटल इनकम। अब आप ये पूछेंगे पैसिव इनकम मतलब क्या, दो क्राइटेरिया पैसिव इनकम के, पहला सेल एंड परचेस किसके थ्रू हो, एसोसिएट एंटरप्राइजेस के थ्रू हो, एसोसिएट एंटरप्राइजेस के थ्रू अगर सेल परचेज है तो वो पैसिव इनकम माना जाता है, प्लस इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड्स काइंड ऑफ इनकम विल बी ट्रीटेड एज पैसिव इनकम। सो व्हाट इज पैसिव इनकम, चेक कीजिएगा, इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर बोथ परचेज एंड सेल्स इज फ्रॉम एंड टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंड इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी डिविडेंड कैपिटल गेन इंटरेस्ट और रेंटल इनकम, दीज आर कॉल्ड एज पैसिव इनकम। सो ये क्या माना जाएगा, पैसिव इनकम माना जाएगा। सो सिचुएशन वन, सिचुएशन वन तभी अप्लाई कर सकती है जब आपके पास क्या हो, इन्फॉर्मेशन हो। अब एओ के पास बाय डिफॉल्ट में इन्फॉर्मेशन होगी, कैसे, 286 कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग लोकल के साथ साथ मास्टर फाइल भी रखना है। सो कब माना जाएगा सिचुएशन वन, अगर आप एक्टिव बिजनेस इंडिया में है तो, एक्टिव बिजनेस इंडिया में है तो चार कंडीशन, 50% से कम की असेट इंडिया में होनी चाहिए, 50% से कम की सैलरी इंडिया में होनी चाहिए, 50% से कम की एम्प्लॉय इंडिया में होनी चाहिए, और पैसिव इनकम 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम मान लेंगे आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया प्लस मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया होती है, तो हम मान लेंगे कंपनी नॉन रेसिडेंट है, यानी कंपनी का पोएम इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, अदरवाइज कंपनी का पोएम इंडिया में सिचुएटेड है। ये अदर पॉइंट वाला पॉइंट मैं बाद में लेता हूं, पहले आता हूं नीचे। एक, अब पिछले 2 साल 2017 से लेकर के अभी तक के अगर देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं था कि ये डिटेल लेके आना, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं रहती थी। अब ऐसे केसेस में कैसे डिटरमाइन किया जाता है, होता यह है, ध्यान से सुनिए, दूसरा सिचुएशन है कि मैनेजमेंट पर्सन कहां है या डिसीजन कहां लिया जा रहा है, उसके बेसिस पे क्या करना, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढना। लेट्स चेक, वेयर बोर्ड हैज टेकन कमर्शियल डिसीजन इन सब्सटेंस, राइट। पहला, कंपनी के डिसीजन अगर बोर्ड लेता है तो ऐसे केसेस में यह देखना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां सिचुएटेड है, फिर जहां बोर्ड ने वो डिसीजन लिए हैं वहां प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, ये मान लिया जाता था। सो लेट्स से अगर कंपनी का डिसीजंस, बोर्ड ऑफ डिसीजंस इंडिया में लिए गए हैं तो पोयम इंडिया में, अदरवाइज आउटसाइड इंडिया मान लिया जाता था। सो वेयर द बोर्ड टेक कमर्शियल डिसीजन इन सब्सटेंस, प्लेस वेयर की डिसीजन आर टेकन, राइट। अब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इनमें क्या किया जाता है, डिसीजन मेकर के लिए एक हेड बना दिया जाता है, जैसे कि Amazon इंडिया हेड। अब वहां पे बोर्ड डिसीजन ना लेकर के बोर्ड के बिहाफ पे एक पर्सन डेलीगेट किया होता है, वो पर्सन क्या करता है, डिसीजन लेता है, जिसे आप कंपनी लॉ के शब्दों में मैनेजर भी कहते हैं। सो वेयर पावर्स आर डेलीगेटेड बाय बोर्ड टू अ कमिटी और अ पर्सन, टू और थ्री पॉइंट को देखिएगा, अगर कमिटी को दिया है तो जहां कमिटी ने डिसीजन लिया वहां प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, पर्सन को दिया तो पर्सन ने जहां डिसीजन लिया वहां प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, कई डिसीजन बेस्ड होते हैं शेयर होल्डर के ऊपर। अब जैसे कंपनी लॉ को ही देख लीजिए, कई डिसीजन जब शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो वो डिसीजन को अप्रूव्ड माना जाएगा। तो अगर डिसीजन शेयर होल्डर लेने वाले होते हैं तो जहां पे डिसीजन लिया गया है वहां पे ये माना जाएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सो डिसीजन आर मेड बाय शेयर होल्डर आर रिजर्व फॉर शेयर होल्डर, देन लोकेशन वेयर डिसीजन आर टेकन नॉट रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द पोएम, उनने कहां डिसीजन लिया ये रेलेवेंट नहीं रहेगा। पूछो क्यों भाई, शेयर होल्डर तो कहीं पे भी हो सकता है, शेयर होल्डर अपने डिसीजन किसको देता है, चेयरमैन को देता है, फिर चेयरमैन जहां पे फिर वो रिजल्ट आउट कर रहा है उसको हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मान लेते हैं। कंपनी ऑपरेटिंग इन मल्टीपल लोकेशन, देन वेयर सीनियर मैनेजर्स आर प्राइमरीली बेस्ड, वहां प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मानेंगे। इन केस ऑफ सर्क्यूलर रेजोल्यूशन एंड राउंड रॉबिन वोटिंग, अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस राउंड रॉबिन वोटिंग, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है राउंड रॉबिन वोटिंग का, ये एक मैथमेटिकल वोटिंग का तरीका है जिसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, इंडिया में ऑपरेट नहीं करता, कई कंट्रीज में ऑपरेट करता है। अब डिसीजन सर्कुलर रेजोल्यूशन लिया गया है तो फिर कैसे देंगे, सर मैं आपको बताता हूं, रेजोल्यूशन सर्कुलेशन होता है, कंपनी लो याद कीजिए, सर्कुलर रेजोल्यूशन होता है, डिसीजन आता है किसके पास, चेयरमैन के पास, चेयरमैन फिर जब वो डिक्लेयर करता है वहां प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाता है। सो लोकेशन ऑफ द पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन, अगर सीनियर मैनेजमेंट भी डिफरेंट लोकेशंस पे है और टेलीफोन के द्वारा किया जा रहा है तो कहां माना जाएगा,
जैसे कि COVID-19 सिचुएशन, जहां पे लोग साथ में नहीं आ सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे या कॉन कॉल के ऊपर डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किधर हुआ? ऐसे केसेस में भी जहां हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट सिचुएटेड है, वहां प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा। तो जहां हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट सिचुएटेड है, वहां प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या किया जाएगा? मान लिया जाएगा। मेरे भाई, सिचुएशन वन, सिचुएशन टू, सिचुएशन वन, सिचुएशन टू, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि बॉस कहां है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। यहां हमारा क्या हुआ साहब, दो से तीन पॉइंट खत्म हो गए। पहला 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, यस और नो प्रभु? 6-1, 6-2, 6-3, 6-4। 1 मिनट, अब 1 पॉइंट बाकी है। अब होता क्या था जरा दिखाइएगा। कुछ कंपनीज ने एक अलग ट्राई किया। कंपनीज क्या करती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो यहां पे सिलेक्ट कर लेती थी, लेकिन एक्चुअल डिसीजंस किसके पास से आते थे? होल्डिंग कंपनी पास करती थी उन डिसीजंस को। ऐसे केसेस में एक डीम्ड पोएम का कंसेप्ट लाया गया, जिसके तहत कहा गया अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन नहीं ले रहे हैं और ये डिसीजन आपकी पेरेंट कंपनी ले रही है, पेरेंट कंपनी जो डिसीजन ले रही है वो अगर आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इसका बाय डिफॉल्ट में पोयम कहां माना जाएगा? इंडिया में माना जाएगा। इन केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ मैनेजमेंट एंड सच पावर आज बीइंग एक्सरसाइज बाय ईदर होल्डिंग और एनी अदर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, या तो होल्डिंग कर रही है या वो पर्सन कर रहा है जो रेसिडेंट इन इंडिया है, तो पोयम कहां माना जाएगा? हमेशा से इंडिया में ही माना जाएगा। क्योंकि कई लोग हो सकता है ट्राई करें कि इंडियन रेसिडेंट हो, बाहर की कंपनी बनाए, बाहर कोई कंपनी बनाए और इसके डिसीजन सारे इंडिया से लिए जाए, या वो पर्सन ले जो इंडिया में रेसिडेंट है। ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा, उसका हमेशा से पोयम इंडिया में ही माना जाएगा और उस कंपनी को रेसिडेंट मान लिया जाएगा। सो दिस वॉज ऑल रेसिडेंशियल स्टेटस। 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 बराबर है आपके काम का क्या? 6-3 प्लस पोएम की गाइडलाइन, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। कुछ बातें जिनको जिनका जवाब हम लोग को देना है, फटाफट उस बातों को पूरा कर लेते हैं। पहला, अगर आप देखेंगे तो जब डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या गाइडलाइंस पढ़ेंगे, तो गाइडलाइंस के अंदर में आपको समझ में आएगा कि पैसिव इनकम एंड अदर की डिटेल दी हुई है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया था इनकम का। सो इनकम हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे? अगर कंपनी जो है राइट, वो किसी और कंट्रीज के अंदर में है, किसी और कंट्रीज के अंदर में है जहां पे इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई करता है, तो उस हिसाब से हमें इनकम डिटरमाइन करनी पड़ेगी। अगर वहां पे इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर असेट्स जो वैल्यू लेंगे कौन से हिसाब से लेंगे? बहुत सिंपल है सर, अगर डेप्रिसिएबल असेट है, डेप्रिसिएबल असेट है, तो एवरेज लेना होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर का। अगर असेट डेप्रिसिएबल असेट नहीं है, तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से वैल्यू होगी वो वैल्यू हमें लेनी होगी। अच्छा जी सर, सर एम्प्लॉय जो लेंगे वो कौन से लेंगे? सर एम्प्लॉय जो लेंगे हम सब एवरेज लेंगे बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर के, तो उसके हमें क्या लेने होंगे? एवरेज लेने होंगे। पेरोल में हर तरीके का कॉस्ट आएगा, सैलरी, वेजेस, बोनस, हर तरीके का कॉस्ट इसके अंदर में इंक्लूड किया जाएगा। पैसिव इनकम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहले सेक्शन 6 पढ़ना, 6 के बाद कहां जाना? 5 पे जाना। 5 आपको वो जवाब देगा कि आपकी इनकम को कैसे डिटरमाइन किया जाए, आरओआर, आरएनओआर और एनआर क्यों किया जाता है, ये सेक्शन 5 बताता है। आइए जरा समझते हैं, इस चार्ट के ऊपर आइए। ऑलमोस्ट हर बुक के अंदर में आपको ये चार्ट दिख जाएगा। सी, इंडिविजुअल और एचयूएफ की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल और एचयूएफ की अगर हम बात करें, तो वो 3 तरह में क्लासिफाई हो सकते हैं। जल्दी बताओ कौन कौन से? आरओआर, आरएनओआर, एनआर। क्या तुम्हें याद है 3 इसके अंदर में क्या हो सकते हैं? क्लासिफाई हो सकते हैं। इन 3 कैटेगरी इट कुड बी क्लासिफाइड, इट मे बी आरओआर, आरएनओआर, एनआर, रेस्ट ऑल अदर पर्सन कैन ईदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। डू यू अग्री? यस। वेयर वी हैव कंसिडर्ड इट इन सेक्शन 6, वी हैव कंसिडर्ड इट। नाउ दीज पर्सन कैन हैव ईदर इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। दीज पर्सन कैन हैव ईदर इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। अब आप ये पूछेंगे व्हाट इज इंडियन इनकम, यू विल आस्क व्हाट इज एन इंडियन इनकम। नाउ देयर वेयर द कॉन्सेप्ट लाइज,
व्हाट इज इंडियन इनकम, आस्क मी व्हाट इज इंडियन इनकम। इंडियन इनकम ऊपर जाइए, यहां लिखा है इंडियन इनकम हैज फोर क्राइटेरिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड और अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। एवरीबॉडी, इंडियन इनकम के कितने कैटेगरी? चार, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया। अक्रूड ऑल्सो इंक्लूड वर्ड अराइज, सो आई विल टेक अक्रूड ओनली। रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। एवरीबॉडी रिपीट विथ मी, आर ओ आर, आर एन ओ आर, एन आर, दो तरह की इनकम, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम कितने प्रकार की? चार प्रकार की। एवरीबॉडी से विथ मी लाउडली, थोड़ा सा जोर से बोले, जहां बैठे हो आप, घर में बैठे हो, लाउडली बोले, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। एवरीबॉडी से इट अगेन, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। पहला रिसीव्ड इन इंडिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था आप लोगों को, अगर पैसा इंडिया में मिल रहा है, इट विल ऑलवेज ऑलवेज डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और अगर ये इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम है, इट इज टैक्सेबल टू ऑल, वेदर असेसी इज आर ओ आर, वेदर असेसी इज आर एन ओ आर, वेदर असेसी इज एन आर, राइट। सो अगर ये इंडियन इनकम बन गई तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल, आर ओ आर, आर एन ओ आर, एन आर, इट इज टैक्सेबल टू ऑल, आर ओ आर, आर एन ओ आर, एन आर। पहला इंडियन इनकम मतलब क्या? रिसीव्ड इन इंडिया। सपोज हमारे बचपन के कैरेक्टर्स को उठाते हैं, पहला लेट्स से अंडरटेकर, जॉन सीना, एकदम रॉ कैरेक्टर रिफ्रेशमेंट आने के लिए, अंडरटेकर, जॉन सीना, दोनों नॉन रेसिडेंट, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, पैसा मिलता है इंडिया के अंदर में, इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर में, एकदम वाइल्ड थॉट, इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा मिलता है, इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? आंसर इज यस, रिसीव्ड इन इंडिया, असेसी किसी के बीच में भी ट्रांजेक्शन हो रहा हो, इफ द मनी इज रिसीव्ड इन इंडिया, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, गेम ओवर। सेकेंड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, क्या बोल रहे बेटा? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन 7 और 8 बताते हैं डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन 7 और 8 बताते हैं डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सो सेक्शन 7 और 8 स्पेसिफाई व्हाट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। आइए चलते हैं सेक्शन 7 पे, कुछ याद होगा तो 6 टू सेक्शन 5, 5 टू सेक्शन 7, 8 और 9, लेट्स गो टू 7, यू विल हैव दिस चार्ट, सेक्शन 7, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, व्हाट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। When you go to section 7, there are four things. These are deemed to be received in India. If these are received by a non-resident outside India, we will assume that these amounts are received in India. First, contribution made by employer to RPF beyond 12% of salary. So, contribution to RPF beyond 12% of salary deemed to be received in India. Sir, why beyond 12%? Up to 12% is exempt. Chapter, salary. Up to 12% of employer contribution is exempt. Beyond 12%, if received by a non-resident, taxable in India. Interest on provident fund beyond 9.5%. Why beyond 9.5%? Interest on recognized provident fund up to 9.5% is exempt. Hence, beyond 9.5% is taxable in India. Transfer from URPF to RPF. Let me tell you what is this. URPF, unrecognized provident fund, a provident fund which is created by a company but approval from commissioner of income tax is not taken. Approval from commissioner of income tax is not taken. Now what happens is, people they used to, whenever URPF is withdrawn, final amount of URPF is withdrawn, this amount is taxable, whereas the final amount of RPF is not taxable. Final amount of URPF is taxable and final amount of RPF is not taxable. Now, what people used to do a tax planning is, in order to save the taxes, they used to convert their URPF into RPF. They used to convert their URPF into RPF. When they used to convert their, savings in from URPF to RPF, kuch saalo baad government ko samajh mein aa gaya. ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, वो यूआरपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट करा के पूरा का पूरा इनकम को अवॉइड कर दे रहे हैं। इनकम टैक्स के अंदर में अमेंडमेंट किया गया, सेक्शन 7 लाया गया, सेक्शन 7 के अंदर में प्रोविजंस लाई गई, अगर कोई यूआरपीएफ को आरपीएफ में भी कन्वर्ट करता है, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड को रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट करता है, वी विल डीम दैट इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया एंड वी विल टैक्स इट। दैट इज हाउ टैक्स प्लानिंग वॉज कर्ब्ड अप। ये था इसके पीछे का लॉजिक। सो व्हाट सेक्शन सेज दैट contribution to RPF beyond 12% of salary is taxable, interest on RPF beyond 9.5% is taxable, conversion of URPF to RPF is taxable, and contribution to pension fund, let's say government of India,
कॉन्ट्रीब्यूट टू द पेंशन फंड अंडर द 80 CCD, इट विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एंड इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. सो चार चीजें इंडिया में डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानी जाएगी. अब आपको ये एक्चुअली कहीं पे भी रिसीव हो रही हो, हम मान लेंगे ये इंडिया में ही रिसीव हो रही है. पहला, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बियॉन्ड 12%, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड 9.5%, यूआरपीएफ टू आरपीएफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड अंडर द 80 CCD. डीम्ड टू अक्रू और अराइज, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एंड इफ इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. इफ इट इज टैक्सेबल इन इंडिया ऑब्वियसली, इफ दिस इज टैक्सेबल इन इंडिया ऑब्वियसली इट इज एन इंडियन इनकम, एंड इफ इट इज एन इंडियन इनकम इट इज टैक्सेबल टू ऑल. काम का है? बिल्कुल नहीं. सेक्शन 8 पे चलते हैं. ये आया था बहुत पहले जब डिविडेंड के प्रोविजंस को टैक्सेबिलिटी में लेके आए थे, उस टाइम का प्रोविजन है सेक्शन 8. मैं श्योर हूं आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ना इतना इंपॉर्टेंट था अब तक, क्योंकि डिविडेंड टैक्सेबल ही नहीं था. ध्यान से सुनिए, 10 लाख तक के. नाउ इफ अ डिविडेंड वेदर इंटरिम और फाइनल इज डिक्लेयर्ड बाय एन इंडियन कंपनी, इट विल ऑलवेज डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. कैसे, मैं समझाता हूं. लेट्स से रिलायंस, टू ऑफ द शेयर होल्डर आर नॉन रेसिडेंट, दे रिसीव द डिविडेंड, दे रिसीव द डिविडेंड आउटसाइड इंडिया बाय अ चेक. नाउ व्हाट, व्हिच इज द इनकम, इंडियन इनकम और अ फॉरेन इनकम? अर्लियर दे यूज टू अवॉइड द टैक्स बाय सेइंग इट इज अ फॉरेन इनकम बिकॉज इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. लेटर ऑन अमेंडमेंट हैज बीन प्लेस्ड इन सेक्शन 8. सेक्शन 8 के अंदर में अमेंडमेंट किया गया और फिर लिखा गया कि अगर इंडियन कंपनी ने डिविडेंड दिया है, इट विल ऑलवेज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इट विल ऑलवेज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. हालांकि जब डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा हम 10 लाख के ऊपर के डिविडेंड की बात कर रहे हैं, 10 लाख तक के तो डिविडेंड वैसे भी क्या है, एग्जेम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. तो इसीलिए सेक्शन 8 इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं रखता. आइए हम कहां थे, याद दिलाता हूं हम कहां थे. थोड़ा सा लंबा लेके जा रहा हूं लेकिन बहुत मजा आएगा. हम थे यहां सेक्शन 5 पे. सेक्शन 5 पे पढ़ रहे थे इंडियन इनकम. जब इंडियन इनकम ढूंढने निकले तो हम यहां पहुंचे, रिसीव्ड इन इंडिया. रिसीव्ड इन इंडिया, पैसा इंडिया में मिला, इट्स ऑलवेज एन इंडियन इनकम. दूसरा, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. सेक्शन 7 और 8 कहता है डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये पैसा माना जाएगा इंडिया में मिला है. कौन कौन सा? कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बियॉन्ड 12% माना जाएगा इंडिया में मिला है. तो किसी नॉन रेसिडेंट का पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने यहां किया बियॉन्ड 12% टैक्सेबल इन इंडिया, उसी पे इंटरेस्ट बियॉन्ड 9.5%, यूआरपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट करवाना, एंड कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट इन पेंशन फंड अंडर 80 CCD मान लिया जाएगा कि डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एंड इंडियन इनकम इफ इट इज एन इंडियन इनकम इट इज टैक्सेबल टू ऑल, आरओआर आरएनओआर एनआर तीनों के ऊपर. नेक्स्ट, अक्रू और अराइज इन इंडिया. अक्रू और अराइज इन इंडिया, लेट्स से योर बिजनेस इज सिचुएटेड इन इंडिया, राइट, बिजनेस पुणे के अंदर में सिचुएटेड है, इसका पैसा मिला उज़्बेकिस्तान में, इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? यस, अक्रू और अराइज इन इंडिया. एफडी आपने इंडियन बैंक के अंदर में रखी, जिसका इंटरेस्ट आपने ट्रांसफर कराया अपने फॉरेन बैंक अकाउंट में, इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? यस, अक्रू और अराइज इन इंडिया. लेट्स से आपका सेविंग बैंक अकाउंट इंडिया के अंदर में है, इसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, आपने बोला इसका इंटरेस्ट किसी दूसरे फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? यस, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. किसी नॉन रेसिडेंट का अकाउंट इंडिया के अंदर में है, मान लीजिए एक पर्सन था पहले इंडिया में था, जॉब के लिए बाहर चले गया, एक अकाउंट यहां पे है और उसके अंदर में पैसे आ रहे हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट आता है जो वो अपने फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है, इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? यस, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. सो अगर अक्रू और अराइज यहां से हो रहा है, लेट्स से एक प्रॉपर्टी है किसी की, राइट, इस प्रॉपर्टी को वो रेंट पे चढ़ा देता है इंडिया के अंदर में, यहां से रेंट आ रहा है, इनकम अक्रू और अराइज फ्रॉम इंडिया, जिसका बेस सिचुएटेड यहां इंडिया में हो, तो अक्रू और अराइज इन इंडिया टैक्सेबल इन इंडिया. अब आते हैं सबसे लास्ट पार्ट पे, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. डीम कर लिया जाएगा, डीमिंग फिक्शन है, ध्यान से सुनिए, ये है सबसे ज्यादा काम की चीज सीए फाइनल में, सेक्शन 9 सबसे ज्यादा काम की चीज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही इसी के ऊपर बनेंगे. डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, हम मान लेंगे डीम कर लेंगे अक्रू और अराइज इन इंडिया हो रहा है, कहां पे साहब, इंडिया में अक्रू और अराइज किया जा रहा है साहब, कब होगा? सेक्शन 9 सबसे बड़ी लिस्ट रखता है साहब, बस इतनी ही बड़ी लिस्ट है. सर क्या अमेंडमेंट हुआ है इसके अंदर में? हाँ साहब, अमेंडमेंट भी है 2019 के अंदर में, इसमें अमेंडमेंट भी है, और ये अमेंडमेंट आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के साथ जोड़ता है.
ये अमेंडमेंट आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के साथ जोड़ता है। ध्यान से सुनिएगा अब इस पॉइंट को, एक एक पॉइंट को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। सेक्शन 9 की इस लिस्ट को आप अपने पास रख लीजिएगा, या आप जो भी बुक यूज कर रहे होंगे सेक्शन 9 की ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। मैं एक एक के ऊपर एग्जाम्पल देकर के आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 मिनट के लिए सिर्फ इस लिस्ट को ऑब्जर्व कीजिए, इस लिस्ट को ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ इस लिस्ट को ऑब्जर्व कीजिए। डन सर, ओके लेट अस स्टार्ट। आपने क्या देखा? एक लिस्ट देखी, एक लिस्ट देखी सेक्शन 9 की। एक एक पर फोकस करते हैं। पहला, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। लेट अस अंडरस्टैंड, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया। आपको नहीं लगता आपको सेक्शन 8 भी कुछ ऐसा ही कह रहा था? बिल्कुल हाँ। लेट अस अंडरस्टैंड, मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करता हूं, या नंबर भी वही डालूंगा जो मेरी लिस्ट में यहां पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। लेट्स से रिलायंस, रिलायंस के शेयर्स मिस्टर स्टार्क ने लिए हैं। लेट्स हैव दैट पूरा मार्वल सीरीज वाला एग्जाम्पल। रिलायंस के शेयर मिस्टर स्टार्क ने लिए हैं। रिलायंस क्या करता है? डिविडेंड डिक्लेयर करता है। वेदर दिस डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, आंसर इज यस। वेदर दिस डीम टू अक्रू, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर, पहले एक बात समझ लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। बियॉन्ड 10 लाख, हम बियॉन्ड 10 लाख की ही बात कर रहे हैं। हम सेक्शन 9 में ये देख रहे हैं वेदर इट इज एन इंडियन इनकम और नॉट, ठीक है। हम यहां पे अभी यू नो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं जाएंगे कि इसकी लिमिट 10 लाख है या नहीं। अज्यूम कर लीजिए हम 10 के ऊपर की ही बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मिस्टर स्टार्क को डिविडेंड मिलता है, इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? 9 में चलते हैं। रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, 8 ने बोला था ये इनकम मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी 8 ने बोला था, 9 के हिसाब से ये इंडियन इनकम बन गई। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। बियॉन्ड 10 लाख रुपीज हुई अगर, तो मिस्टर स्टार्क को क्या देना होगा? इस पर टैक्स देना होगा इंडिया में। यस इट इज एन इंडियन इनकम। मिस्टर स्टार्क अज्यूमिंग टू बी नॉन रेसिडेंट, सेक्शन 9 सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट पे ही अप्लाई कर रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा, इन फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन, इंटरेस्ट पेबल बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन, इधर ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट पेबल बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन। सो लेट्स से गवर्नमेंट या कोई एसोसिएशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या कोई एसोसिएशन, अप्रूव्ड एसोसिएशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, तो इन्हें क्या करना होगा? इन्हें टैक्स देना होगा इंडिया में। लेट अस अंडरस्टैंड, मान लीजिए पतंजलि, ठीक है। पतंजलि क्या करती है? बैंक ऑफ, लेट्स से बैंक ऑफ अमेरिका से लोन लेती है। इस लोन के बदले में ये क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। इस लोन के बदले में ये क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। बैंक ऑफ अमेरिका के लिए ये जो इंटरेस्ट हो गई, ये कौन सी इनकम हुई? इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? इंडियन इनकम। क्योंकि अगर लेट्स से गवर्नमेंट लेती है या फिर पतंजलि लेती है, कोई कंपनी या स्पेसिफाइड पर्सन इंटरेस्ट लेता है, अब यहां पे बैंक ऑफ अमेरिका हु इज अ नॉन रेसिडेंट रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम अ कंसर्न इन इंडिया, इनकम विल डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया एंड विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। जब ये प्रोविजंस पढ़ते रहेंगे, मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद आना चाहिए 194 LB, LC, LD, 195। जब इंडिया से इंटरेस्ट पे किया जाता है, आपके मन में क्योंकि ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये लोग क्या इंडिया में आके टैक्स पे करते होंगे? सर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन ला दिए गए हैं। जब आप टीडीएस चैप्टर पढ़ते हैं 194 LC, LD, LBB, इनके अंदर में आप लोग पढ़ते हैं कि जब हम इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, हम इस इंटरेस्ट का क्या कर देते हैं? टैक्स डिडक्शन कर देते हैं। यस और नो? स्टॉप, टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये पर्टिकुलर सेक्शंस बताएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसको टीडीएस या इसको ये इंटरेस्ट क्या रेट से टैक्सेबल है? कान खोल के मेरी बात सुनिएगा, इसको ये इंटरेस्ट क्या रेट से टैक्सेबल है? ये 115A बताएगा। कनेक्शन बिटवीन 9, कनेक्शन बिटवीन टीडीएस, कनेक्शन बिटवीन नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, सारी चीजें शुरू होती है रेसिडेंशियल स्टेटस से।
जिसे समझ में आ जाए भाई रिस्पेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं ये। सेक्शन 9 बताएगा ये इंडियन इनकम है। पतंजलि इंटरेस्ट पे करते वक्त टीडीएस के प्रोविजन देखेगा 194 या 195 की सीरीज के अंदर में। ये इंटरेस्ट बैंक ऑफ अमेरिका में क्या रेट पे टैक्सेबल है ये बताएगा, 115A, 115A ये बताएगा। और इस तरह से ये सारे सेक्शन लिंक्ड है, इस तरह से ये सारे सेक्शन कनेक्टेड है। तो जब मैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में होऊंगा तब आपको ये पॉइंट फिर से बताऊंगा कि सेक्शन 9 में इट इज डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, हेंस इट इज टैक्सेबल। अब सवाल उठता है, 115 के अंदर में इंटरेस्ट के ऊपर दो अलग अलग रेट लिखे हैं, आपको बता दूं। जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, कुछ स्पेसिफिक चीजें लाइक स्पेसिफिक बॉन्ड और सर्टन स्पेसिफाइड इंटरेस्ट जैसे FIIs एंड अदर्स को मिलता है उस पे 5% है। तो इंटरेस्ट के दो रेट बस याद में रखना, जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, स्पेसिफिक 5%। आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। ओहो, सेक्शन 9, रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, दीज आर टैक्सेबल इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। जिसका मतलब ये है ये ऑलवेज कहां होते हैं, टैक्सेबल होते हैं जनरली सोर्स बेसिस पे ही। ये बात को मेरी ध्यान में रखिएगा, इसको वापस रिपीट कराऊंगा सही जगह पे। ये जनरली सोर्स बेसिस पे टैक्सेबल होते हैं, जहां से सोर्स अराइज होता है उसके बेसिस पे टैक्स किया जाता है। सो अब रॉयल्टी की बात कर लेते हैं। समझ लीजिए, मेट्रो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मेट्रो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, रॉयल्टी पे करी, टेक्निकल सर्विसेज ली और रॉयल्टी पे करी। या लेट से इसका एग्जाम्पल टेक्निकल सर्विसेज में यूज कर देंगे, मारुति ने रॉयल्टी पे करी लेट से सुजुकी इंडिया को, मारुति इंडिया ने रॉयल्टी पे कर दी किसको, फॉर अ पेटेंट सुजुकी को। ये रॉयल्टी इंडियन इनकम मानी जाएगी, यस। किसके हिसाब से, सेक्शन 9 के हिसाब से। ये कौन सी इनकम मानी जाएगी, इंडियन इनकम मानी जाएगी, भले ही ये रिसीव आउटसाइड इंडिया हो रही हो, पर ये रॉयल्टी इनकम अगर इंडिया से मिल रही है तो ये टेक्निकल सर्विसेज में मानी जाएगी और इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। पॉइंट एक। पॉइंट दो, रॉयल्टी इनकम कौन से बेसिस पर टैक्सेबल है, क्या रेट से टैक्सेबल है, ये बताएगा सेक्शन 115A। ये बताएगा सेक्शन 115A, जो हमें बताता है रॉयल्टी किस रेट पे टैक्सेबल है। इनकम है हाँ, सेक्शन 9 बताएगी किस रेट पे ये इनकम पे टैक्स किया जाएगा, ये 115A बताएगा। तो जितने लोगों को कंफ्यूजन है 115A क्या बताता है, 115A टैक्स रेट बताता है। 115A क्या बताता है बोलो मेरे बच्चा, टैक्स रेट बताता है कि ये इनकम है, हाँ इनकम है। अब इस इनकम पे टैक्स रेट क्या है, 115A बताएगा, जाकर के देख लेना पता चल जाएगा। अब अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन पढ़ेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि आपको पता है वो चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ टैक्स रेट लिखे है कि इनकम अगर ये है तो टैक्स रेट क्या है, बस इतना ही है। राइट, ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टी हो गया, रॉयल्टी के बाद चलते हैं टेक्निकल सर्विसेज पे। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है सर, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। टेक्निकल सर्विसेज का एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से मेट्रो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, मेट्रो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मेट्रो कॉरपोरेशन ऑफ चाइना से क्या लेता है, टेक्निकल सर्विसेज लेता है और इसके बदले में क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। मेट्रो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टेक्निकल सर्विसेज लेता है मेट्रो कॉरपोरेशन ऑफ चाइना से और इसके बदले में क्या किया जाता है, पे किया जाता है। फॉर द टाइम बिंग प्लीज इसके ऊपर दिमाग मत लगाना, इंडिया चाइना का क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, फॉर द टाइम बिंग कॉन्सेप्ट ध्यान देना। मेट्रो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टेक्निकल सर्विसेज लेता है मेट्रो कॉरपोरेशन ऑफ चाइना से और इनको क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। अब ये पेमेंट इंडिया से अराइज हुआ है, याद रखिए मेरी एक बात को, रॉयल्टी टेक्निकल सर्विसेज इंटरेस्ट, रॉयल्टी टेक्निकल सर्विसेज इंटरेस्ट, सोर्स बेसिस पे टैक्स होता है, सोर्स बेसिस पे टैक्स होता है। और जहां से ये इनकम अराइज हुई है, आपने ये सर्विसेज कहीं पे भी दियो, इट विल बी इंडियन इनकम, इट विल बी इंडियन इनकम। अब ये जो पेमेंट मिला है टेक्निकल सर्विसेज के अगेंस्ट में, जिसे हम कहते हैं फीस, क्या कहते हैं, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये 115A बताएगा कि इस पे रेट क्या होगा। 115A बताएगा कि इस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का रेट क्या होगा। नेक्स्ट,
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और असेट सिचुएटेड इन इंडिया। बहुत सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए सानिया मिर्जा, नाउ अ नॉन रेसिडेंट, वी ऑल नो राइट, हैज अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, लेट्स से दिल्ली। राइट, सानिया मिर्जा अ नॉन रेसिडेंट हैज अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। इस प्रॉपर्टी को कर दिया उनने लेट आउट, इससे आ रहा है रेंटल इनकम। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, इससे आ रहा है रेंटल इनकम, इससे आ रहा है रेंटल इनकम। इज इट एन इंडियन इनकम? यस इट इज एन इंडियन इनकम। कौन कहता है? सेक्शन 9 कहता है अगर प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है तो इट इज डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। अच्छा जी, इस रेंटल इनकम पे टैक्स क्या रेट से देना है ये बताएगा 115A, कि रेंटल इनकम जो आ रही है, जिसे हम अदर इनकम कहते हैं या इन्वेस्टमेंट इनकम भी कहते हैं, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम को हम इन्वेस्टमेंट इनकम भी कहते हैं, ये 115A के हिसाब से टैक्सेबल होगा। जो रेंट दे रहा है वो 194I या फिर 194IB के हिसाब से TDS डिडक्ट करेगा। ये है तीनों का लिंकेज, जो दे रहा है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो देने वाले के एंगल से टीडीएस का चैप्टर देखेंगे, रिसीव करने वाले के एंगल से इनकम है क्या सेक्शन 9 बताएगा, टैक्स रेट क्या होगा 115 बताएगा। आई होप अब तक ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा, एकदम इजीली क्लियर हो चुका होगा टैक्स रेट क्या होगा। देखिए इस चैप्टर के अंदर जब आप रहेंगे तो आपके मन में एक सवाल आएगा, टैक्स रेट यही है ना 10%, टैक्स रेट 15% ये ना, टीडीएस का क्या होगा? मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इसमें मत जाइए, मैं ये वापस जब नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन आएगा तब आपको रिवाइज करवा दूंगा, ये पॉइंट पढ़ा था और इसलिए इसका टीडीएस का रेट या टैक्स रेट ये है। आएगा इसका टीडीएस का कॉन्सेप्ट और टैक्स रेट का कॉन्सेप्ट, एनआर टैक्सेशन नाम का चैप्टर है वहां कवर है, तो यहां कंफ्यूज मत करो, यहां सिर्फ ये अज्यूम कर लो, एग्जाम्पल समझ लो, क्योंकि सेम एग्जाम्पल उठा के मैं वहां फेंकूंगा नॉन रेसिडेंट में, और वहां आपको याद दिलाऊंगा देख बेटा ये एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था और इसका टैक्स रेट ये है और इसका टीडीएस रेट ये है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत ले क्या है क्या नहीं है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में आएगा वहां पढ़ेंगे। और अब तक आपको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं किस डेप्थ में जाके आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको बिल्कुल भरोसा हो जाना चाहिए कि वहां जाएंगे वहां पढ़ेंगे, अभी ये कंसेप्ट नहीं है बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, पहला चैप्टर चालू है। वापस आते हैं, इनकम फ्रॉम एनी कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया, वोडाफोन, वोडाफोन कैपिटल असेट ऑल्सो इंक्लूड शेयर्स। सो मान लीजिए कोई नॉन रेसिडेंट है, इंडियन कंपनी के शेयर्स क्या कर रहा है, सेल कर रहा है आउटसाइड इंडिया, वेदर इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, आंसर इज येस। सो मान लीजिए एक नॉन रेसिडेंट, लेट से हल्क ने थॉर को इंडियन कंपनीज के शेयर ट्रांसफर किए, हल्क ने थॉर को इंडियन कंपनी के शेयर ट्रांसफर किए, वेदर इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, येस बिकॉज इट इज अ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया। नेक्स्ट, सैलरी अर्न इन इंडिया, नाउ इसके लिए आपको सैलरी अर्न इन इंडिया, इसके लिए आपको मेरे साथ सेक्शन 15 पे जाना होगा। देखिए कई फॉरेन कंपनीज के एम्प्लॉय इंडिया में वर्क कर रहे हैं, कई फॉरेन कंपनीज के एम्प्लॉय इंडिया में वर्क कर रहे हैं, सेक्शन 15 पे जाते हैं। सेक्शन 15 कहता है जहां सर्विसेज रेंडर हुई है वहां इनकम टैक्सेबल होती है। अब फॉरेन एम्प्लॉय इज वर्किंग इन इंडिया, सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया बिकॉज सैलरी इज अर्नड इन इंडिया। हेंस अगर कोई फॉरेनर है इंडिया में, आपने देखा होगा कई फॉरेनर्स इंडिया में आकर के उस फॉरेन कंपनी के लिए काम करते हैं, अगर वो उनको सैलरी इंडिया में मिल रही होगी, इनकम इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर फॉरेन में भी सैलरी मिल रही होगी, फॉरेन में भी सैलरी मिल रही होगी, रिसीव तो हो गया, फॉरेन में भी सैलरी मिल रही होगी पर सर्विसेज इंडिया में रेंडर हो रही है, फॉरेन में सैलरी मिल रही होगी सर्विसेज इंडिया में रेंडर हो रही है, टैक्सेबल इन इंडिया, डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, सैलरी अर्न इन इंडिया। नेक्स्ट, बिल्कुल अपोजिट सेक्शन 15 के, सेक्शन 15 के बिल्कुल अपोजिट, लेकिन ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है और किसी के लिए नहीं। ध्यान से सुनिएगा, थर्ड पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपको एक बार, एक ही बार आया है पर क्वेश्चन आ चुका है। सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट अपने एम्बेसीज में लोग भेजती है आउटसाइड इंडिया में। लेट अस अंडरस्टैंड अ मूवी कैरेक्टर, बहुत इजी, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, मिस्टर टाइगर को एक फॉरेन मिशन पे भेजा इराक में, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने टाइगर को भेजा किस, इराक के अंदर में फॉरेन मिशन के ऊपर। अब सेक्शन 15 आपको रिविजिट करते हैं, सेक्शन 15 क्या कहता है, जहां पे सर्विसेज रेंडर की है वहां पे इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर है,
जहां सर्विसेज रेंडर करी है वहां इनकम डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया होनी चाहिए, स्टॉप। उस हिसाब से टाइगर को जो सैलरी मिल रही है वो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला यहां हम ये एक्सेप्शन नहीं लगाएंगे, यहां हम सेक्शन 9 में स्पेसिफिकली लिख देंगे अगर इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है किसी इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। और ये सेक्शन 15 को अवॉइड किया गया और सेक्शन 9 लाया गया। तो सर आपका एक सवाल आएगा, व्हाट विल प्रिवेल, सेक्शन 9 और सेक्शन 15? मैं आपको बता दूं, इस केस में सेक्शन 9 स्पेसिफिक प्रोविजन ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन। 15 इज अ जनरल प्रोविजन, 15 कंटेन्स अ जनरल प्रोविजन। सेक्शन 9 स्पेसिफिकली सेड इट शुड बी टैक्सेबल इन इंडिया, सो स्पेसिफिक प्रोविजन विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन। अब पढ़िए, समझ में आएगा। सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। रुकिए, खत्म नहीं हुआ है। इस साल का अमेंडमेंट जो आपको अदर सोर्सेस से जोड़ता है, गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब होता क्या था, जनरली जो हम गिफ्ट की प्रोविजन पढ़ते थे 56 टू 10 के अंदर में, 56 टू 10 के अंदर में जो हम गिफ्ट की प्रोविजन पढ़ते थे उसके अंदर में गिफ्ट इज रिसीव्ड इन इंडिया का प्रोविजन स्पेसिफिकली नहीं लिखा था, पर जनरली अज्यूम ये किया जाता था गिफ्ट इज रिसीव्ड इन इंडिया। अब लोग क्या करते थे, एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट दे देता था आउटसाइड इंडिया, इसके टैक्सेबिलिटी के बारे में स्पेसिफिकली पूरे इनकम टैक्स में कहीं लिखा ही नहीं था। देयर वाज नो स्पेसिफिक प्रोविजन डिटेलिंग इफ अ रेसिडेंट गिव अ गिफ्ट टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वेदर दिस इनकम विल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया और नॉट, एंड इट वॉज अ डिस्प्यूटेड मैटर। मेनी पीपल अवॉइडेड द टैक्स बाय डूइंग जस्ट वन थिंग, दे गिफ्टेड द प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया थ्रू टू अ नॉन रेसिडेंट एंड देन इट रूटेड इन अनदर वे इन इंडिया। इनकम टैक्स कर्व्ड अप दिस सिचुएशन इन दिस पर्टिकुलर ईयर 2019। दे सेड यू गिव द गिफ्ट इन इंडिया, इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया। बट इफ अ रेसिडेंट गिव अ गिफ्ट टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इफ अ रेसिडेंट गिव अ गिफ्ट टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इट विल ऑल्सो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ट्रीटेड एज इंडियन इनकम बिकॉज यू हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम अ इंडियन पर्सन रेसिडेंट। It will be deemed to accrue or arise in India and you will be subject to 56 to 10 and thereby एक और अमेंडमेंट लाया गया। कहां पे, 56 to 10 के अंदर में a resident non resident को अगर gift करता है outside India, deemed to accrue or arise in India 56 to 10 के provision apply करेंगे। Obvious सी बात है, जब हम मैं कह रहा हूं 56 to 10 तो gift की value over 50,000 होनी चाहिए या उसकी stamp duty value over 50,000 होनी चाहिए या fair market value 50,000 से ऊपर होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन गिफ्ट क्या है कैसा है, पर गिफ्ट के प्रोविजन अप्लाई कर देंगे। सब कुछ हो गया, एक बार फिर से देखिए, सब कुछ हो गया तो एक बार फिर से देखिए, वापस से देखो। डन सर, देख लिया। अब एक ही चीज बचती है और वो लास्ट चीज है बिजनेस कनेक्शन। क्या बचता है मालिक बोलो, बिजनेस कनेक्शन। आओ इस बात पे ध्यान देते हैं, बिजनेस कनेक्शन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना सर। आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेक्शन 9 में इसी पे आएगा, बिजनेस कनेक्शन, क्योंकि ये सबसे बड़ा डेफिनेशन कवरिंग एक्सप्लेनेशन है, बिजनेस कनेक्शन। अब मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए। इंटरनेशनली, इंटरनेशनली मैं आपको चार चैप्टर एक साथ जोड़ूंगा इस कंसेप्ट को पढ़ाते वक्त, चार चैप्टर एक साथ जोड़ूंगा इस कंसेप्ट को पढ़ाते वक्त, बहुत ध्यान से सुनना, चार कंसेप्ट को एक साथ जोड़ूंगा, चार चैप्टर को एक साथ जोड़ूंगा इस कंसेप्ट को पढ़ाते वक्त। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ओईसीडी। ओईसीडी देखिए, जब डीटीडब्ल्यू बनता है, डीटीडब्ल्यू दो तरीके से बनता है, ध्यान से सुनना। वेन एवर डीटीडब्ल्यू इज मेड, दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट इज मेड, इट इज मेड ईदर ऑफ द टू मेथड्स, वन ओईसीडी, सेकेंड यूएनएमसी, यूनाइटेड नेशंस और ओईसीडी मेथड। नाउ ओईसीडी हैज गिवन अप द बेब्स गाइडलाइन, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, अनदर चैप्टर फॉर न्यू सिलेबस। हम पहले गए डीटीडब्ल्यू में, डीटीडब्ल्यू दो तरीके से बनता है, ओईसीडी या यूएनएमसी। ओईसीडी एक मॉडल टैक्स कन्वेंशन देता है, दूसरा यूएनएमसी, यूनाइटेड नेशंस मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ये दो ही बेसिस पे आपके डीटीडब्ल्यू बनते हैं।
अब ये बनते किस बेसिस पे, उसको और आसान शब्दों में समझने के लिए मेरे साथ आइए, राइट? आसान शब्दों में समझने के लिए मेरे साथ आइए। आपको अगर आपके ऑफिस में बोला जाए आपको एक पार्टनरशिप डीड बनानी है, व्हाट यू डू? आपको अगर बोला जाए ऑफिस में एक पार्टनरशिप डीड बनानी है, आप क्या करते हो? बहुत सिंपल तरीके में आप क्या करते हो? आप बहुत सिंपल काम करते हो, आप जाते हो, कोई पार्टनरशिप डीड पहले से बनी हुई होती है, उसको उठाते हो, रखते हो, कट कॉपी पेस्ट करते हो, काम खत्म। आपको अगर बोला जाए रेज्यूमे बनाना है तो आप क्या करते हो? बिल्कुल सेम काम करते हो, किसी का रेज्यूमे उठाते हो, कट कॉपी पेस्ट करते हो, उसमें अप्रोप्रिएट चेंजेस कर देते हो, उसकी हॉबी अपनी हॉबी बना लेते हो और काम खत्म। ठीक उसी तरीके से ओईसीडी और यूएनएमसी ने काम कर रखा है। ओईसीडी और यूएनएमसी ने बोला कहां तुम इतने मॉडल टैक्स कन्वेंशन के एक एक क्लॉज को सोच करके बनाया जाओगे, कहां तुम एक एक पॉइंट को सोच करके बनाओगे, इससे बेटर हम एक ड्राफ्ट दे देते हैं। तो ओईसीडी और यूएनएमसी ने अपने अपने एक ड्राफ्ट बनाए, फॉर्मेट बनाया, ठीक है, फॉर्मेट बना करके दे दिए, राइट? जो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज है ओईसीडी फॉलो कर लेती है, जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज है वो जनरली यूएनएमसी फॉलो कर लेती है, राइट? अब ये मॉडल टैक्स कन्वेंशन बनाए गए। हर मॉडल टैक्स कन्वेंशन में बेप्स का एक गाइडलाइन डाला गया। बेप्स का गाइडलाइन क्या था? आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 बेप्स गाइडलाइन, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, हर कंट्री को कहता है कि आप अपने कंट्री में डिफाइन कीजिए व्हाट इज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, और अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो ही टैक्स लगाया जा सकता था, अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो टैक्स नहीं लगाया जा सकता। बहुत सिंपल शब्दों में, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो टैक्स लगाया जाएगा, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये सब तो थी फॉरेन की बात, 1991 एलपीजी हुआ, इंडिया को भी अपने लॉ में कुछ तो देना था। इंडिया में क्या पीई का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट हुआ? आंसर इज नो। सरप्राइज, इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिया ने पीई नाम का कॉन्सेप्ट नहीं उठाया। हालांकि जब आप क्या देखोगे, इंटरनेशनल टैक्स का मॉड्यूल देखोगे, आपको बहुत जगह लिखा हुआ दिखेगा पी 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 पीई एक इंटरनेशनल टैक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडिया ने पीई नहीं अडॉप्ट किया, इंडिया ने बीसी अडॉप्ट किया। आई नो यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस वर्ड, बी फैमिलियर विद दिस वर्ड, बिजनेस कनेक्शन। बीसी स्टैंड फॉर बिजनेस कनेक्शन, इंडिया ने पीई अडॉप्ट ना करके बिजनेस कनेक्शन वर्ड अडॉप्ट किया, विच इज मोर वाइडर देन पीई। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर ने हमारा महान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी कंट्रीज से लेकर के इंस्पायर हुए और हमने अपने इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अपना एक नया वर्ड बना दिया, ठीक उसी तरीके से बिजनेस कनेक्शन वर्ड बनाया, हमने पीई नहीं लिया इंडिया में। तो अगर कोई कहता है पीई सिचुएटेड इन इंडिया, अपने दोस्त को एक जोरदार झापड़ मारिए। आपका दोस्त अगर कहता है इस कंपनी का पीई इंडिया में सिचुएटेड है, या अपने दोस्त से एक सवाल पूछिए, कंपनी का पीई इंडिया में सिचुएटेड है, बता कंपनी का क्या स्टेटस है। अगर उसने कह दिया भाई रेसिडेंट है, जोर से थप्पड़ मारिए उसको, कहिए साले नालायक, पी का कॉन्सेप्ट पूरे इनकम टैक्स में ढूंढ के दिखा, कहीं नहीं है, हमने बीसी अडॉप्ट किया, वी आर फैमिलियर विद दिस वर्ड बिजनेस कनेक्शन। तो व्हाट इज टैक्सेबल इन इंडिया, इफ यू हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। सो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन? इस कॉन्टेक्स्ट में आपको तीन चीजें पढ़नी होगी, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको तीन चीजें पढ़नी होगी, 911 इस कॉन्टेक्स्ट में तीन चीजें पढ़ते हैं, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन एंड डीम्ड बिजनेस कनेक्शन। तीन कॉन्सेप्ट को और पढ़ना होगा। स्टॉप, सर हम कहाँ है? सेक्शन 5 में, 5 में, हाँ 5 में देखा था ना, आर ओ आर, आर एन ओ आर, एन आर, वहां पे थी इंडियन इनकम। हम इंडियन इनकम ढूंढने निकले, इंडियन इनकम चार तरीके की थी, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। रिसीव्ड देख लिया, डीम टू बी रिसीव्ड 7 और 8 में मिला, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया 9 में मिला। हम 9, सेक्शन 9 का टूर करने के लिए आए, 9 के टूर में 10 पॉइंट थे, 9 पहले ही पढ़ लिए, अब सबसे पहला वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं बिजनेस कनेक्शन, जिसकी हिस्ट्री समझी कि पीई कहां से आया था, इंडिया ने पीई अडॉप्ट क्यों नहीं किया, हमने वाइड डेफिनेशन अडॉप्ट करी पीई से ज्यादा। एक सवाल आपको इंस्टीट्यूट ने ऐसा भी पूछा है, इज बिजनेस कनेक्शन वाइड देन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट? आंसर इज यस, बिजनेस कनेक्शन डेफिनेशन इज मच मोर वाइडर देन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, मच मोर वाइडर देन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। इंडिया ने पीई का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट नहीं किया, हालांकि DTAA आर्टिकल 5, कोई भी DTAA जब साइन होता है मैंडेटरी क्लॉज है आर्टिकल 5 परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, मैंडेटरी क्लॉज है, मैंडेटरी क्लॉज है, ठीक है। अब आइए
बिजनेस कनेक्शन, जब हम बिजनेस कनेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ने जाते हैं तो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन एंड डीम्ड बिजनेस कनेक्शन। ये डेफिनेशन को पहले कुछ अलग हुआ करती थी 2017, मानना पड़ेगा अरुण जेटली साहब को इस बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन को ऐसा चेंज किया कि अब फॉरेन कंपनी का कोई ऑफिस हो या ना हो आपके टैक्सेबिलिटी आएगी। समझते हैं अरुण जेटली साहब ने ऐसा कदम उठाया क्यों। जो पुरानी डेफिनेशंस थी बिजनेस कनेक्शंस की, फॉरेन कंपनी का टैक्सेबिलिटी इंडिया में तभी होता था, फॉरेन कंपनी का टैक्सेबिलिटी इंडिया में तभी होता था जब उस फॉरेन कंपनी का कोई ऑफिस, प्लेस ऑफ वर्क इंडिया में सिचुएटेड हो, जिसको अलग शब्दों में आप परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कह सकते हैं, जिसको अलग शब्दों में आप परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कह सकते हैं, बराबर। ये तभी टैक्सेबिलिटी में आता था। अब प्रॉब्लम क्या था, हम आ चुके थे 21वीं सदी में जहां पे इंटरनेट अपनी एक जगह ले चुका था और इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग चालू हो चुकी थी। मेनी ऑफ दी वेबसाइट्स वेर अर्निंग फ्रॉम इंडिया। ध्यान से सुनना मेरी इस पूरी कहानी को, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा डीम्ड बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन कहां से आ गया। इस पूरे ऑनलाइन शॉपिंग का दौर चालू हो चुका था इंडिया में, बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, बहुत सारी वेबसाइट्स इंडिया में ऑपरेट कर रही थी जो इंडिया से इनकम कमा रही थी, कई सॉफ्टवेयर बेचे जा रहे थे इंडिया के अंदर में, कई YouTube अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे थे इंडिया में, कई इंटरनेशनल एप्स थे जो इंडिया से इनकम कमा रहे थे, राइट। इन सभी के दौरान प्रॉब्लम यह होता था कि इनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस ना होने के कारण, इनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस ना होने के कारण इंडियन अथॉरिटीज टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पा रही थी एंड वो क्या कर रहे थे, टैक्स अवॉइड करके बाहर निकल जा रहे थे। दो कदम उठाने बहुत जरूरी थे। पहला कदम उठाया गया 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी ला करके, फाइनेंस एक्ट में चेंजेस किए गए, इक्वलाइजेशन लेवी लाया गया और फॉरेन कंपनीज जो मेजरली जिनका ऑफिस नहीं है पर इंडिया से इनकम कमा रही है, कैसे, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में नहीं है पर जो इनकम कमा रही है, सर कैसे, लेट्स से फेसबुक, अज्यूम इसका कोई ऑफिस इंडिया में नहीं है, अज्यूम करने बोल रहा हूं मैं, अज्यूम करने बोल रहा हूं, फेसबुक का ऑफिस है, मैं सिर्फ अज्यूम करने बोल रहा हूं। इमेजिन अ कंपनी लाइक फेसबुक, राइट, जिसका कोई ऑफिस इंडिया में नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट से इनकम कमाता है इंडिया से, राइट, ये एडवर्टीजमेंट से अगर इनकम कमाता है इंडिया से, सवाल क्या होता था, सवाल यह होता था कि इसका कोई ऑफिस ही नहीं है इंडिया में तो हम टैक्स नहीं कर पाते थे। इसके लिए कहा गया कि जो भी एडवर्टीजमेंट रिलेटेड पेमेंट कर रहा है पहले तो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना शुरू करो, और सेक्शन 166 लाया गया फाइनेंस एक्ट के अंदर में, जहां पे 6% का इक्वलाइजेशन लेवी लाया गया। अब दूसरा प्रॉब्लम था, ये तो डिडक्ट कर देंगे लेकिन और भी कई लोग थे जो क्या कर रहे थे, इनकम कमा रहे थे, जिनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था इंडिया के अंदर में बट ऑपरेट कर रहे थे बहुत अच्छी से। अगर हम बात करें अली एक्सप्रेस, अली एक्सप्रेस का कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं, तो ऐसे केस में क्या करें। दूसरा चेंज किया गया 2017, बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन को जबरदस्त तरीके से चेंज किया गया साहब, और अब आप पढ़ेंगे कंसेप्ट, What is business connection? What is not a business connection and deemed business connection? अब definition पढ़िए, एक-एक word आपको history के साथ match करता हुआ मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। Check कीजिए। सबसे पहले चलते हैं what is business connection पे, ठीक है? What is business connection? डेफिनेशन को 2017 में चेंज किया गया। 2017 अरुण जेटली साहब का वो दौर था और अरुण जेटली साहब ने बोला कि चलो इस डेफिनेशन को हम अडॉप्ट करते हैं। ओईसीडी में जो हम कह रहे थे कि अब इन कंपनीज को यहां टैक्स देना होगा, 2014 याद कीजिए जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, अमीरों से लेंगे गरीबों को देंगे, फॉरेन कंपनी को इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाएंगे और टैक्सेबिलिटी इंडिया में लाएंगे, फॉरेन कंपनी की क्या करनी, फॉरेन कंपनी की क्या की गई, टैक्सेबिलिटी इंडिया में लाई गई, जो कहा वो वादा पूरा किया गया, और कहा गया बिजनेस कनेक्शन। अब बिजनेस कनेक्शन में क्या जरूरी हो गया, तीन चीजें जरूरी हो गई। पहला, अगर एक नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कोई रेसिडेंट हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट करता है, हम उसको नॉन रेसिडेंट का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में मान लेंगे और उसे टैक्स किया जाएगा। छोटा सा एग्जांपल, टाटा ऑन बिहाफ ऑफ जैगवार, जैगवार के बिहाफ पे टाटा इंडिया में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करते हैं। इफ टाटा कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, सिंपली दे विल बी ट्रीटेड एज हैविंग अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, सेक्शन 9, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, if income deemed to accrue or arise in India, it will be taxable in India to all, whether you are ROR, RN, or NR. आया मजा? ROR, RNR, NR. समझ में आई बात? दूसरा, अगर आप उसके बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन करते हैं, पहला कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा
मेंटेन द स्टॉक अली एक्सप्रेस। सोच के देखिएगा आप, क्लब फैक्ट्री जैसे ऐप के ऊपर या अली एक्सप्रेस के ऊपर आप ऑर्डर बुक करते हैं, कैसे 3 दिन के अंदर में प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवरी होता है, कैसे 4 दिन में प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाता है। साहब 4 दिन के अंदर में आपको लगता है वहां से शिप होके यहां आ जाएगा और यहां आपको डिलीवरी हो जाएगी? नहीं, गुड़गांव, नोएडा, कोलकाता, मुंबई, यहां पे इनके क्या है सर, स्टॉक मेंटेन करके रखे जाते हैं, और जैसे आप ऑर्डर बुक करते हैं वैसे आपको क्या किया जाता है, शिप किया जाता है। तो अगर आप नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे स्टॉक भी मेंटेन करके रखते हैं, नहीं तो सोचिए ना सर, कोविड-19 में भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट डिलीवर कर रहा था, कैसे पॉसिबल था जब आपके इंटरनेशनल कुरियर ही बनते? जब इंटरनेशनल कुरियर ही बनते तो कैसे पॉसिबल था कि आप तक के कुरियर पहुंच जाता? सिंपल, स्टॉक अगर मेंटेन कर रहे हैं, मान लिया जाएगा उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, नाउ दैट हैज टू पे टैक्स इन इंडिया। सिंपल। थर्ड सिचुएशन, इफ इफ दैट पर्टिकुलर सर्विसेस और सर्विसेस आर बुक्ड इन इंडिया, और दैट पर्टिकुलर वर्ड, मैं वर्ड भूल गया, मैं वर्ड देख लेता हूं, प्रोविजन ऑफ सर्विसेस बाय नॉन रेसिडेंट। ध्यान से सुनिए, इफ यू हैव बुक्ड द ऑर्डर फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फॉर अ नॉन रेसिडेंट, लेट्स गिव एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आज मुझे मेरे हनीमून के ऊपर कहां जाना है, आउटसाइड इंडिया जाना है, लेट्स से दुबई। नॉट आई डू, आई विल गो टू makemytrip.com, मेक माई ट्रिप पे जाकर के मैं दुबई का लेट्स से भुज अल अरब होटल बुक कर देता हूं। नाउ मेक माई ट्रिप एन इंडियन ऐप, सपोज मेक माई ट्रिप एन इंडियन ऐप, मैंने इस इंडियन ऐप पे जाकर के बुक कर लिया, अ नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे रेसिडेंट ने सर्विसेज बुक कर ली, रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे सर्विसेज बुक कर ली, डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया, हैविंग अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन है, दैट टैक्स हैज टू बी पेड इन इंडिया। व्हाई? इट इज एन इंडियन इनकम, कहां पे करना पड़ेगा टैक्स? इंडिया में पे करना पड़ेगा सर। तो वो बुर्ज अल अरब होटल इंडिया में आकर के क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। आता हूं ना, एक और चैप्टर, एक और सेक्शन जोड़ता हूं, तब मजा आएगा नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में। ऐसे नहीं आएगा मजा, अब जोड़ता हूं एक सेक्शन को, सेक्शन का जोड़िए, देखिए लिंकिंग देखिए, मजा आ जाएगा। अब आप क्या बोलोगे, सर उस नॉन रेसिडेंट का भुज अल अरब होटल इंडिया में आके रिटर्न भरेगा, इंडिया में आके टैक्स बुक करेगा? अरे ना मुन्ना ना, ऐसा कुछ नहीं करेगा सर। तो फिर क्या करेगा? मैं बताता हूं ना क्या करेगा वो सर। ये जो इंडियन कंपनी है ना, इस पे सेक्शन 163 अप्लाई होगा, एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट, एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट। एक सेक्शन पढ़ा होगा पेपर 7 में, सेक्शन 163, नहीं पढ़ा होगा तो यहां पे पढ़ना 163, वो यहां पढ़ने वाला सेक्शन है। एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट बोल करके इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी लगाई जाती है। ये असेसमेंट का सेक्शन है, ये असेसमेंट का सेक्शन है 163। ठीक उसी तरीके से 171 भी आएगा, आप देखिएगा पार्टीशन ऑफ HUF एंड ऑल, 163 उसमें एक सेक्शन है एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट, ऐसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। इस तरीके से होता है बेटा काम। सो आइए, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, वर्ड देखिएगा मजा आ जाएगा। बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड एनी बिजनेस कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, अ पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। पॉइंट ए, हैज हैबिचुअली एक्सरसाइज इन इंडिया अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। अगर आपके पास अथॉरिटी है, तो आई गेस वीडियो बंद हुआ, पर आपको मेरी आवाज आ रही होगी, 2 मिनट रुक जाइए। हेलो, ओके, आई थिंक वापस आ गया हूं क्या, जरा देख लीजिए एक बार।
वापस आ चुका हूं मैं, सभी को दिख रहा है नाउ? ओके, प्लीज टेल मी नाउ, ओके, यस, सॉरी, जो जोश में गलत बटन क्लिक हो गया था, मैं वापस आ गया. लेट अस स्टार्ट. चलिए मेरे भाई, तीन चीजें. पहला, कंक्लूड कर सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट उसके बिहाफ पे, तो आप बिजनेस कनेक्शन है. उसके बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन करते हैं तो बिजनेस कनेक्शन है. आप उसके बिहाफ पे ऑर्डर सिक्योर करते हैं तो बिजनेस कनेक्शन है. एंड यस, ये आपका क्या माना जाएगा? बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा. जैसे कि मैंने कहा, सेक्शन 9 का पहला वर्ड बिजनेस कनेक्शन में तीन वर्ड पढ़ने चाहिए. व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन एंड नॉट अ बिजनेस कनेक्शन का पहला पार्ट पढ़ा आपने. व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, कितने पार्ट है इसमें? तीन. कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, मेंटेन द स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, एंड तीसरा, सिक्योर द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट. यू हैव अ बिजनेस कनेक्शन. इफ अ नॉन रेसिडेंट हैज बिजनेस कनेक्शन, ही हैज टू पे टैक्स इन इंडिया. टैक्स कैसे पे करवाएंगे? सेक्शन 163, उसको जो रेसिडेंट है, जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट माना जाएगा और उसके थ्रू टैक्स कलेक्ट किया जाएगा. ये आपको ओवरऑल कंसेप्ट के अंदर कवर होता है. अभी तक हमने क्या पढ़ा, रीड करवा देता हूं. सबसे पहले पढ़ा सेक्शन 6, 6(1), 6(2), 6(3), 6(4). इसके साथ साथ पढ़ा दो सर्कुलर, 6/2017, 8/2017. फिर हम आगे बढ़े, हम सेक्शन 5 पे गए. सेक्शन 5 अभी तक हमने नहीं पढ़ा है. सेक्शन 5 का सिर्फ एक वर्ड पढ़ा है, इंडियन इनकम. इंडियन इनकम ढूंढने निकले तो 7 मिला. सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9. सेक्शन 9 पूरी पूरी लिस्ट पढ़ी, पर क्या सेक्शन 9 खत्म हो गया? आंसर इज नो, सेक्शन 9 बाकी है. सेक्शन 9 का 9(1)(1) का अब तक सिर्फ एक पार्ट पढ़ा, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन. पर आज आपको यहीं तक पढ़ना है, इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है. आज आपको यहीं तक पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना. इसके आगे का पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे. राइट, 2 घंटे हो चुके हैं. आप लोगों में से बहुत लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, प्लीज जाके खाना खाइए. कल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कल तक के आपको क्या रेडी रखना है? कल तक के आपको दो चीजें रेडी रखना है. पहला, सेक्शन 9 यहां तक के मैंने जितना पढ़ाया, आप जो भी बुक पढ़ रहे होंगे, जो भी बुक पढ़ रहे होंगे, उससे आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा. इस लेक्चर को पॉसिबल है तो सेव करके रखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. आप में से बहुत से लोग आज अगर पहली बार मेरे साथ जुड़े होंगे तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि हमारा रिविजन कैसे होता है. हमारा रिविजन ऐसे होता है, और मैं मैराथन में ये कवर नहीं करवा सकता था, मैराथन में ये कवर नहीं करवा सकता था, क्योंकि आपको इतनी डिटेलिंग की जरूरत है इंटरनेशनल टैक्सेशन में. यस और नो? इंटर और फाइनल लेवल अलग अलग चीज होती है, और फाइनल में आपको कंसेप्ट में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो कल अगेन मैं आपको बता दूं, आप जितने लोग हैं जो आज पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं, मैं रोज इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम के ऊपर बता रहा हूं कि मैं कब आऊंगा, कितने बजे आऊंगा और हम लोग क्या पढ़ेंगे. कल क्या पढ़ने वाले हैं बता देता हूं. व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम. इसके आगे का एक और सेक्शन बाकी है, 115JH, हम वो पढ़ने वाले हैं. कल हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाएगा और कल हम लोग एक नए टॉपिक की ओर भी जाएंगे. टॉपिक अभी से मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो टॉपिक आप पढ़ो, उसकी हिस्ट्री मुझे पहले समझानी पड़ेगी, तो आप उस टॉपिक को समझ पाओगे. राइट, आई होप आपको अभी तक के बहुत ज्यादा मजा आया होगा. आज का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपने पहली बार देखा होगा. 2 मिनट रुके, मैं अब मोबाइल ले रहा हूं और आपकी क्वेरीज को अभी मैं हैंडल करूंगा. आप में से जितने लोगों को डाउट हो, जैसा मैंने कमिट किया था कि पूरा कॉन्सेप्ट होने के बाद मैं आपको क्वेरीज भी आपकी सॉल्व करूंगा, मैं मोबाइल ले लेता हूं. सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाइए, अपने क्वेरी सॉल्व करेंगे. ओके, आई हैव टेकन द मोबाइल, मैं आपकी क्वेरीज को उठा लेता हूं. अरे बाप रे, बहुत सारे मैसेजेस भेज रखे यार तुम लोगों ने. मैं एक एक क्वेरी, आपकी जितनी भी क्वेरी आ रही है, जितना टॉपिक हमने अब तक के लिया है उसके बेसिस. मैं आपकी क्वेरीज को उठा लेता हूँ. ओहो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. इतने सारे मैसेज आप सभी को बहुत पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इनफैक्ट मुझे धन्यवाद आप लोगों का देना चाहिए, बिकॉज अराउंड 4,000 पीपल लाइक पेपर 6C एंड पेपर 7 जिन्होंने CA फाइनल पे लिया. और मेरा मोटो बड़ा क्लियर होता है सर, वी स्मार्ट के सारे फैकल्टी एक ही कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं. कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए, और इसीलिए वी स्मार्ट वर्क भी करता है सर उसी तरीके से. और थैंक यू, आपने एक्चुअली मेरे को नहीं कहना चाहिए, थैंक यू आपने वी स्मार्ट को कहना चाहिए, विशाल सर को कहना चाहिए जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट चालू किया है. चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने ऑसम ऑसम वाले मैसेज भेजे, लव वाले मैसेज भेजे. अगर आपको भी पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त का भी भला हो, तो उसे भी कह दीजिएगा कल ज्वाइन कर ले. ठीक है,
मैं जो ये वीडियो सेव होगा इसके नीचे मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की डिटेल दे दूंगा, वहां कनेक्ट हो जाएं। चलिए अब मैं क्वेरीज पे बात करता हूँ, फालतू बातें नहीं करेंगे, क्वेरीज पे बात करेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं गौरव? क्वेश्चन अगर आप देखें मॉड्यूल में आपको दिख जाएंगे, सेक्शन 9 के ऊपर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं केस बेस्ड स्टडी कि भैया ये फॉरेन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है, इस तरीके से रॉयल्टी इंटरेस्ट या अदर चीजें मिल रही है, वेदर दिस आर टैक्सेबल इन इंडिया, आपको कैसे आंसर देना होगा। सेक्शन 9 लिखना होगा, उसके अंदर में आपको बताना होगा दीज इनकम आर टैक्सेबल इन इंडिया एंड सिंस इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड असेस्ड एज अ नॉन रेसिडेंट इट इज एन इंडियन इनकम एंड टैक्सेबल, इस तरीके से केस स्टडी का आंसर देना होगा। यू आर अ लेजेंड, सॉरी रोहित आई डोंट ट्रीट आई एम अ लेजेंड, आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी एंड आई लव टू बीट, मैं कोई ना लेजेंड हूं ना मैं कोई एक्सपर्ट हूं इसमें, मैं बस अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं, बट थैंक यू फॉर एडमायरेशन। सर फॉर असेट्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय एवरेज कितने साल का लेना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन अंकित, एवरेज हमें 3 साल का लेना है, अगर 3 साल से कम हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ इयर्स के लेने होंगे। पहली बार आप पढ़ रहे हैं खुशबू, थैंक यू सो मच बेटा, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। व्हाई रेमिटेंस इन इंडियन बैंक इज नॉट टैक्सेबल? हरप्रीत इसका जवाब आएगा कल, रेमिटेंस इन इंडियन बैंक क्यों टैक्सेबल नहीं है इसका जवाब आपको कल मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट बाकी है रेमिटेंस का अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, ये देखिए वो यहाँ आएगा, नोट्स में लिखा है मैंने, वो अभी तक के पढ़ाया नहीं है, ये यहाँ है उसका कॉन्सेप्ट, अगर आप इंसिडेंस देखेंगे तो इसके ऊपर है, एक मिनट आराम से आराम से। अशप्रीत सर व्हाट अबाउट द कंपनीज, एक मिनट अरे एक मिनट आराम से, व्हाट अबाउट द कंपनीज हैविंग टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ बिकॉज पोएम इज नॉट एप्लीकेबल टू देम? अशप्रीत क्या होता है प्रैक्टिकली बताता हूं, अगर टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो हम उस कंपनी को स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट मान के या उस कंपनी ने जो भी डिक्लेरेशन दिया है हम उसको स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसके इन्वेस्टिगेशंस में नहीं जाते, एक तरीके से ये नुकसानदायक ही है पर हाँ हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर एओ क्या करेगा असेसमेंट ओपन नहीं करेगा। कमल सर 286 में सी टू सी इंफॉर्मेशन कंट्री टू कंट्री इंफॉर्मेशन होती है तो ये इंफॉर्मेशन 142 में कॉल की जा सकती है क्या? 142 की जरूरत क्या है, 286 खुद ही एक पावर है, 142 का आपको जरूरत ही नहीं है, हालांकि 142 में आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 142 तभी है जब असेसमेंट ओपन हो, अदरवाइज आप इंफॉर्मेशन 286 से ही मांग सकते हो तो 142 की तो जरूरत ही नहीं है। चाकिता पेपर 7 के लिए क्वेश्चनेयर इनफ है क्या? बिल्कुल इनफ है। राज सर एग्जाम में कॉपी अलाउड है बिकॉज नो वन कैन कम अवर साइड, मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं समझा राज। असेट कैलकुलेटेड एज पर विच ईयर, आई मीन वेदर कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर? सर मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, इंडिया में हम लोग कैलेंडर ईयर अडॉप्ट ही नहीं करते, हम लोग प्रीवियस ईयर अडॉप्ट करते हैं तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से लिया जाएगा, हालांकि करंट ईयर में इसको कैलेंडर ईयर पे भी एक ऑप्शन देने का रखा है लेकिन उसके कुछ कंडीशन है। राज आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा, क्वेश्चन राइट फ्रेम कीजिए। सर एग्जाम में क्वी अलाउड है, ये क्वी क्या है मेरे को वो नहीं समझ रहा है। सर कैन वी प्रेजेंट अवर आंसर इन चार्ट फ्लो चार्ट फॉर्म? अर्पणा जी सीए फाइनल लेवल पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसे फ्लो चार्ट फॉर्म में ना रखें, इसे प्रोविजन फॉर्म में रखें, हाँ प्रोविजन लिखने के बाद आप फ्लो चार्ट डाल दें वो ज्यादा बेटर है क्योंकि फाइनल लेवल पे आपसे राइटिंग एक्सपेक्टेड है तो ना रखें, वो समझने के लिए ज्यादा बेटर है। डिविडेंड इज एग्जम्प्ट इन इंडिया अप टू 10 लाख, देन वाई दे आस्क फॉर्म 15G एंड 15H? ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये इंफॉर्मेशन अब ज्यादा काम आएगी क्योंकि इस साल फाइनेंस एक्ट 20 से डिविडेंड को टैक्स किया जा रहा है शेयर होल्डर के हाथ में तो अब ये और ज्यादा काम आएगी। सर यू हेल्प मी इन मेकिंग सीबीसी रिपोर्टिंग इन माई कंट्री, थैंक्स, थैंक यू अभिमन्यु, आई वॉन्ट कि आप अपने कंपनी में बहुत ऊपर जाओ, बिंदास आपको किसी भी तरीके की हेल्प लगती है बहुत अच्छी बात है। 10 ईयर्स कंटिन्यूअस देखेंगे, 10 ईयर्स, हाँ जो 2 out of 10 की बात कर रहे हैं ना ये कंटिन्यूअस होगा लेकिन उसमें से 2 कंटिन्यूअस होने की जरूरत नहीं है, एनी 2। सर मास्टर फाइल बना रहा हूं कंपनी में जहां जॉब करता हूं, थैंक्स फॉर क्लियरिंग, थैंक यू सो मच, अब आपको शायद अभिमन्यु समझ में आ गया कि हम क्यों बनाते हैं ये फाइल। वेदर योर बुक्स आर अवेलेबल थ्रू कुरियर, रोहित यस बुक्स आर अवेलेबल थ्रू कुरियर, इफ पॉसिबल प्लीज अपलोड ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग में ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूं, आप कंटिन्यू रहिए रिवीजन के साथ। मेक माई ट्रिप 195 में टीडीएस कट करके भी तो पेमेंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करता होगा और
करता भी होगा, मैक्सिमम केस में करता भी होगा, जहां पे वो नहीं करता होगा तो 163 अप्लाई कर देते होंगे, मतलब 163 सब्जेक्ट टू कंप्लायंस। तो 195 अगर उसने ऑलरेडी टीडीएस कट किया होगा तो फिर 163 से फिर कंप्लायंस नहीं लेते हम लोग। रियली ऑसम, थैंक यू सो मच आरिफ भाई, पीजीपीपी के लेक्चर मस्त लगे, थैंक यू सो मच। होल इंटरनेशनल टैक्स रिविजन, यस इंटरनेशनल टैक्स रिविजन विल बी होल ओनली। पीडीएफ आशीष, पीडीएफ आपको इससे मिल सकता है, आप वी स्मार्ट अकेडमी से ले सकते हैं। 286 में रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं क्या? यस सर, तो भी इंफॉर्मेशन मांगने का एक सेक्शन है, प्लीज एक बार असेसमेंट टॉपिक पढ़िए आपको समझेगा। मैंने रिविजन डाला है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए उसमें है। सर पोएम सिचुएशन टू, हाउ एओ वुड नो अबाउट फ्रॉम वेयर कमर्शियल डिसीजंस आर टेकन, ये ऑडिट करके और उसके जजमेंट के बेसिस पे ही हो सकता है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है कि इस क्राइटेरिया के बेसिस पे एओ को अज्यूम करेगा, ये उसका प्रोफेशनल स्किल एंड जजमेंट पे डिपेंड करेगा। 2 years out of 10 years एंड उस 2 में से ही 60 days स्टे होना चाहिए। ये जो 2 out of 10 वाला है इसमें रेसिडेंट का कोई भी, या तो 182 वाला कंडीशन या 60 days वाला कंडीशन, किसी भी हिसाब से वो रेसिडेंट होना चाहिए, दोनों में से जो भी अप्लाई करके कर रहे हैं वो हो सकता है। सीएमए फाइनल में 5 heads नहीं है क्या? कैसे बात कर रहे हैं सर, डीटी है, 5 heads होने ही होने हैं। सर इंटर की डीटी रिवीजन कब आएगी? गौरव जी जाके देखिए, ऑलरेडी डाल चुके हैं हम। सर शेयर और इंटरेस्ट डिराइव फ्रॉम असेट लोकेटेड इन इंडिया डीम्ड टू, इफ असेट इज लोकेटेड इन इंडिया इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया, क्वेश्चन ही खत्म, सेक्शन 9। इज इट यूजफुल फॉर ओल्ड सिलेबस? यस इट इज यूजफुल फॉर ओल्ड सिलेबस एज वेल। एम्प्लॉय में ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एवरेज लेना है 1 ईयर्स का ही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पीजीबीपी रिविजन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है अनीता जी, प्लीज चेक कीजिए, आपको इसमें मिल जाएगा, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच गौरव। विल यू टीच 11 रूल UB 115 एंड 114 DB गिवन इन द एनेक्स्चर? जहां पे अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली कर लूंगा, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब क्वेश्चन में इससे रिलेटेड नहीं पूछते हैं, बट इसकी जरूरत पड़ी अगर आगे कहीं तो मैं कर लूंगा, एक जगह पड़ेगी वहां कर लूंगा। सर प्लीज ट्राई टू प्रोवाइड फ्लो चार्ट ऑफ पोएम कॉन्सेप्ट। सर जरूरत ही नहीं है, मत कीजिए, अननेसेसरी चीजों में मत जाइए कि इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, बिल्कुल मत जाइए, कोई काम का नहीं है। भाई रिस्पेक्ट, तोहफा कबूल करो, थैंक यू सो मच आलोक भाई, पर वो तोहफा मत दीजिए, 3 डेट मैंने भी देखी है। सर पोएम सिचुएशन टू में कैसे मालूम पड़ेगा? मैंने आपको अभी बताया कि वो इस बेसिस पे रहेगा, ओन एक्सपीरियंस एंड जजमेंट के बेसिस पे, जैसे हम इंटरनल ऑडिट करते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से। और कुछ नहीं तो वो क्या करेंगे आपको पता है, क्वेश्चनेयर ही ले लेंगे, वो क्वेश्चनेयर दे देते हैं, डिसीजन कहाँ लिया है वो लिखवा के ले लेते हैं, और इसको सर्टिफिकेट में रख देते हैं डॉक्यूमेंट भूल करके। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? रोहित यस, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया। रीजन बता दूं, सेक्शन 10 कहता है एग्रीकल्चरल लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, हेंस आउटसाइड इंडिया से आ रही होगी तो टैक्सेबल होगी। वेदर यू विल कवर इंटरनेशनल टैक्सेशन और एंटायर डीटी? सर एंटायर डीटी पॉसिबल नहीं है, पर हाँ मैंने असेसमेंट के 10 टॉपिक पूरे कर लिए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी के 4 टॉपिक रखे हैं, इंटरनेशनल टैक्स में मेजर कवर कर रहा हूं। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? चलिए अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं इसको जरूर देख लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, कल अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़ लीजिएगा, मिलते हैं कल, कल के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी। सो सी यू टुमारो, मैंने आपको बता दिया है क्या लेने वाला है, ट्रांसफर प्राइसिंग भी होने वाला है। चकिता प्लीज एक बार जा करके बेटा देखो ना, वीडियो मैंने डाला है यूट्यूब पे ही देख लो, उसमें पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ है बेटा, इसी के पहले का वीडियो देख लेना। इफ अबोई कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, अनीक सिचुएशन 2 टेस्ट कर लो, सिचुएशन 2 भी नहीं होता है तो फिर डिपेंड करता है एओ किस तरीके से उसको लेता है। थैंक यू सो मच। टीडीएस एंड डिडक्शन, प्रिया टीडीएस एंड डिडक्शन की बात मैं आपको बता दूं कि यू नो
एक बार पहले इंटरनेशनल हो जाए, उसके बाद अगर टाइम बचता तो डेफिनेटली मैं वो भी ट्राई कर लूंगा। डन। कैपिटल गेन्स। ओहो, तुम लोगों की मांगे मतलब दिन ब दिन मजदूरों जैसी नहीं बढ़े जा रही है। एक काम कर लो, इस चक्कर में पूरा ही कर लो, फिर इसके बाद आएगा टीडीएस, उसके बाद आएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। सर जितना पॉसिबल होगा उतना जरूर करवा दूंगा। वी स्मार्ट आपके साथ हमेशा रहेगा इस हेल्प को करने के लिए। फॉर द टाइमिंग थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। कोई और क्वेश्चन होगा जरूर डाल दीजिएगा।